आज का एजेंडा ये है, मिस्टर सीएस प्रधान विल डिस्कस ऑन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, सो प्लीज लिसन केयरफुली। टुडे विल डिस्कस ऑन करंट इकोनॉमी स्टेटस। टुडे विल डिस्कस व्हाट वी डू टू ऑप्टिमाइज आवर पोर्टफोलियो, व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी, हाउ वी मैनेज। What you should also do while investing, we also discuss on it. And finally, it's a query session, right? So, आज की मीटिंग की शुरुआत हम प्रधान भाई से शुरुआत करेंगे। Look at on screen, what a handsome personality he has. Yes, he has more than 20 years experience in Indian stock market. Yes. He is an investment advisor, and you know Pradhan Bhai so well. So I'm again telling you that whatever query you have, whatever you want to know about the sector, about the company, about the damn parameter, you free feel to ask Pradhan Bhai. He will guide you since establishment of the company. Not 10 years, not 15 years. Company की शुरुआत जहां से हुई होगी वहां से हर एक चीज का आपका पूरा वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है? तो आज के मीटिंग की शुरुआत हम प्रधान भाई से शुरुआत करते हैं। सो आई एम वेलकमिंग प्रधान भाई ऑन स्क्रीन। प्रधान भाई प्लीज वेलकम। थैंक यू कौशिक भाई। गुड इवनिंग ऑल। देखिए, आज का जो मेन मीटिंग रखने का पर्पस है वो आप हमारे इंडिया स्वर्ण फंड के साथ जुड़े हुए हैं और हम इंडिया स्वर्ण फंड में कैसे काम करते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे अप्रोच होता है, वो सब तो आप पीयूष भाई उसके बारे में आपको सब बताएंगी। लेकिन मैं यहाँ आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा जो फंड्स है वो बाकी सब फंड्स के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े फंड्स है, पूर्णता है, फिलिप कैपिटल है, पराग परिख है, आस्क है, एनजे है, मार्शलस है, ये सब बड़े बड़े फंड हाउस है, उनके साथ कंपैरिजन में हमारा फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। और ये हम रिसर्च जो करते हैं और जो आपको इन्वेस्टर कंपनी में हम आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में भी हम पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। जैसे कि आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हर कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में हम पब्लिश करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप वो नहीं देख पा रहे हो तो हम उसके वीडियो बना के भी हम पब्लिश करते हैं कि आप हमने वो कंपनी क्यों परचेस की है, और सिर्फ वो कंपनी के बारे में नहीं, वो पूरी इंडस्ट्रीज के बारे में भी हम बताते हैं कि पूरी इंडस्ट्री क्या कर रही है और उसके समय हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या कर रही है। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी हमारा लाइव यूट्यूब प्रेजेंटेशन भी चल रहा है। एवरी ट्यूजडे को रात को 8 बजे हम लोग लाइव प्रेजेंटेशन करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनियों के बारे में, और उसमें इंडस्ट्री भी कंपेरिजन देते हैं और हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सारी डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों, ये सब जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ आप इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हैं। तो आप कभी भी चाहे तो आप वो पूरा डिटेल्स देख सकते हो और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे भी सीधा बात कर सकते हो। और अभी आगे बात करते हुए मैं पीयूष भाई को बोलूंगा कि आगे की मीटिंग का एजेंडा को स्टार्ट करें। पीयूष भाई को तो वैसे भी आप सब जानते ही हो, इज द फाउंडर मेंबर ऑफ प्रॉफिट फॉर्मिट, और उनका भी बहुत 2 डिग्री से शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस है और टीचिंग हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं। तो ओवर टू यू पीयूष भाई। थैंक यू प्रधान भाई, थैंक यू कौशिक भाई, और वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, आप सबको वापस से मिल के बहुत खुशी है। इससे पहले आप लोगों को ध्यान होगा, हम सब लोग मिले थे। कब मिले थे? जब सबके पोर्टफोलियो 20-20% डाउन थे, राइट और रॉन्ग? लास्ट टाइम इन्फ्लेशन के कारण जब बाजार टूटा हुआ था, सब पता नहीं क्या होगा, ये इन्फ्लेशन कब गिरेगा, सब चर्चा हो रही थी, राइट? उस समय हम मिले और आज वापस से हम लोग मिल रहे हैं। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है। दोस्तों, परिवार हमारा बढ़ता जा रहा है और हम सब लोग मिलके आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के सेशन का
दोस्तों हम सब लोग मिलके थोड़ा बाजार को जाने, राइट। ऐसी बहुत सी मान्यताएं है कि भी बाजार बहुत चल चुका है तो गिरेगा। ऐसे बहुत से लोग मानते हैं कि भी बाजार गिरा हुआ था ऑलरेडी कितने समय से, अब चलेगा, तो हम क्या करें, हम किसकी सुने, राइट फ्रेंड्स। तो हमने सोचा चलो एक सेशन रखते हैं जिससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, हम थोड़े अभी इकोनॉमी क्या चल रही है उसके बारे में समझेंगे और हमारी इन्वेस्टेड सेक्टर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, हम क्या कर रहे हैं इस समय बताएंगे और आपको क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। रेडी एवरीबडी, राइट। सो लेट मी बिगिन दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि जस्ट अभी आपको आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने जस्ट अभी प्रेजेंट किया। दोस्तों हमारे लिए ये जानने की बात है कि पिछले 22 साल में, पिछले 22 साल में दोस्तों जो 5% का ग्रोथ दुनिया का था, दोस्तों ये अच्छा ग्रोथ था, क्या कहते हो आप लोग? लास्ट 22 इयर्स वर्ल्ड 5% से बढ़ा। अब ये तो 21वीं सदी है दोस्तों, 20वीं सदी में वर्ल्ड का ग्रोथ 8-9% था, तो दुनिया तो बहुत बढ़िया ग्रो कर रही थी। 21वीं सदी में आते ही जैसे वर्ल्ड का आउटपुट 5% 22 साल, पर आने वाले 3 साल खाली 3% दिख रहा है। तो दोस्तों हमें इससे एक ट्रिगर हो जाना चाहिए कि वर्ल्ड जो अभी है वो चैलेंजिंग मोड से गुजर रहा है। गलत कह रहा हूं दोस्तों मैं, राइट। मैं ना ही डराने की कोशिश कर रहा हूं, ना ही मैं बहुत कोई भी चीज की हाइप क्रिएट करूंगा। जो सत्य चीज है दोस्तों उसको हम पहले एक्सेप्ट करेंगे, हमें एक्सेप्ट करना होगा दोस्तों 21वीं सदी से अभी कम ग्रोथ का है और जो पिछले 22 साल का ग्रोथ है उससे कम अभी है। तो ये टाइम वर्ल्ड चैलेंजिंग मोड से गुजर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स 22 इयर्स जो दोस्तों कंट्रीब्यूटर है पूरी दुनिया का, 4.2% का खाली ग्रोथ था पिछले 22 साल का, नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दोस्तों। 21वीं इनका ग्रोथ जबरदस्त था और अभी का ग्रोथ तो देखो दोस्तों 2.5, 2.1, 1.7, दोस्तों क्या लगता है? अगेन जबरदस्त नहीं है दोस्तों। वॉच इंडिया, दोस्तों इंडिया का 21वीं सदी का ग्रोथ बहुत ही कैसा था, बहुत ही था दोस्तों। वी वर अंडर परफॉर्मर ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, राइट। 20वीं सदी में दोस्तों हमारा अंडर परफॉर्मेंस था, पर 21वीं सदी दोस्तों इंडिया, चाइना, हम सब लोग खिल उठे। 21वीं सदी के पहले 22 साल अब देखो दोस्तों 9.4% का ग्रोथ, गुड ग्रोथ, अमेजिंग दोस्तों। वर्ल्ड से डबल स्पीड से तो हम 22 साल से चल ही रहे, राइट। और ये 3 साल का जो अनुमान दिया है आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों, उन्होंने माना है कि पूरी दुनिया चैलेंजिंग मोड पे है तो इसकी इफेक्ट इंडिया पे पड़ेगी, पर फिर भी इंडिया रेजिलिएंट है, इंडिया का ग्रोथ दोस्तों शानदार है। हम इनफेक्ट कहेंगे दोस्तों यूएस से 3 गुना है, दुनिया से 2 गुना है। तो इंडिया में हम जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं दोस्तों, ये परफॉर्मेंस कौन दे रहा है? इसलिए इकोनॉमी की बात कर रहा हूं क्योंकि ये हमारा जो रिलेशन है दोस्तों, आपका, मेरा, हम सबका जो रिलेशन ट्राई पार्टी में बंधा हुआ है। ट्राई पार्टी यानी फंड के रिटर्न कौन देने वाला है? खाली आपसे नहीं, खाली मुझसे नहीं, खाली इकोनॉमी से नहीं, हम तीनों से जब जुड़ते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं दोस्तों, रिटर्न आते हैं। तो एक जो पार्ट है बड़ा इकोनॉमी, राइट, जो रिटर्न दे रहा है उसे भी हम समझे कि ये रिटर्न असल में जो भी मिले हैं दोस्तों, ये चैलेंजिंग टाइम पे मिले हैं जब दुनिया में मुश्किलियां हैं दोस्तों। ऐसे समय पे इंडिया का परफॉर्मेंस कोविड के बाद दोस्तों शानदार रहा, राइट। तो ये कोविड के बाद का शानदार जो परफॉर्मेंस रहा इससे हमारा ग्रोथ है, अभी दुनिया का तो कोई इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। अब दोस्तों सोचो, अब जैसे जैसे वर्ल्ड ग्रो करेगा ये परफॉर्मेंस में क्या हो सकता है इन रियल सेंस दोस्तों? पिछले 30 साल का, लास्ट 30 इयर्स के अगर हम देखें तो ये जो डिकेडल ग्रोथ है ये 30 साल का सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है वर्ल्ड के लिए, और इसका उल्टा इंडिया के लिए ये बेस्ट समय है दोस्तों, राइट। तो इसीलिए हम रिटर्न कुछ देख रहे हैं, पर ये ध्यान रखे दोस्तों, दुनिया बार बार हिमालय खींचती है, इंडिया रेजिलिएंट होके आगे बढ़ता रहता है, पर कठिन तो है अभी भी, बराबर कि नहीं, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा दोस्तों। रिसेंट चैलेंजेस, अभी आप में से कई लोग दोस्तों, आप परिवार में दशक से आप लोग जुड़े हुए भी हो, राइट। हमने बहुत से फॉल, बहुत सी मंदी, बहुत सी तेजी हम सब लोगों ने साथ में दोस्तों एंजॉय की है। मैं जस्ट रिसेंट बात करूंगा दोस्तों, 2017 बहुत पुराना टाइम नहीं है, 2017 यूएस चाइना
के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसके बाद वर्ल्ड वैसे भी दोस्तों म्यूटेड था, वर्ल्ड का ग्रोथ कम था, बाजार पे भी हमने इसकी इफेक्ट देखी थी, बट यस इंडिया वाज रेजिलिएंट। पर फिर क्या हुआ, कोविड आया दोस्तों, और कोविड ने क्या किया दोस्तों, 2020 का कोविड ने एक इंपैक्ट दिया दोस्तों। कोविड जब आया तो बहुत सी कंट्रीज को एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, जो हो सकते हैं वो दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करने वाले होंगे इंफ्रा में, राइट, पर वो इन्वेस्टमेंट निकल के उनको हेल्थ के पीछे डालना पड़ा। अब कैसी कंट्रीज थी दोस्तों जो कट टू कट डेब्ट पे चलती थी, जैसे इंडिया डेब्ट वाइज बड़ा कंफर्टेबल है, अभी तो हमने डेब्ट ली नहीं है, राइट, पर कई कंट्रीज ऐसी थी जो डेब्ट पे कट टू कट चल रही थी दोस्तों, प्रॉब्लम में आई, राइट। फिर कोविड निकला, कोविड निकला हम प्रॉब्लम में नहीं आए, पर दूसरी इमर्जिंग कंट्रीज दोस्तों ये समय पे प्रॉब्लम में आए। आपने देखा होगा दोस्तों हमारे अड़ोस पड़ोस में उस समय क्या हुआ, तो कोविड गया और इंडिया घूमने लगा, पर कुछ कंट्रीज में जबरदस्त चैलेंज थे, अब ये भी हमें नीचे खींचते हैं दोस्तों, हमारी कंपनी वो सब जगह पे धंधा करती है, राइट। आपने देखा होगा कि बजाज ऑटो बांग्लादेश इंडोनेशिया सब जगह धंधा करती है आपकी, आप गोदरेज कंज्यूमर हो गई आपकी, ये बालकृष्ण हुई जो यूरोप से 45% धंधा लाती है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी तो म्यूटेड थे, पर इमर्जिंग इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आ रहे थे दोस्तों, तो लास्ट 2 ईयर्स उनके लिए बिल्कुल अच्छे थे, बट स्टिल इंडिया रेजिलिएंट होके निकलता चला गया, सो दैट्स ग्रेट, राइट। और हो सकता था अगर थोड़ा और समय मिलता दोस्तों, इमर्जिंग और बाहर निकलती, दुनिया का ग्रोथ बढ़िया रह सकता था, पर ऐसे में क्या आया दोस्तों, ये तीसरा चक्कर रशिया यूक्रेन, दोस्तों मुश्किल समय से निकले नहीं हो आप, और दूसरी मुश्किल ही और एक आ गई आई, तो ये समय पे दोस्तों क्या हुआ, ये दोनों कंट्री दोस्तों बड़े ट्रेड रिलेशन वाले कंट्री है, जिनका ट्रेड रिलेशन बाकी दुनिया से है, इसकी इफेक्ट दोस्तों पड़ती है दुनिया भर में। हमने देखा दोस्तों इस वॉर के बाद इन्फ्लेशन बढ़ा, बढ़ा कि नहीं, क्योंकि ट्रेड डिफ्रेगमेंट हो जाता है दोस्तों, आपको कुछ चीजें चाहिए, कुछ कॉमोडिटी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है, राइट, तो इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन ने लोगों की जेबों को हल्का किया दोस्तों, कंपनीज के खर्चों को बढ़ाया, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, और ये कैसा इन्फ्लेशन था दोस्तों, दिस वॉज डिकेडल हाई इन्फ्लेशन फॉर मेनी कंट्रीज, नॉट ओनली डिकेडल हाई, इट वॉज ऑलमोस्ट 5 decades हाई दोस्तों हमने इन्फ्लेशन में देखे, तो चैलेंजिंग टाइम। अब क्या हुआ दोस्तों, हाँ दुनिया भर की कंट्रीज ने रेट बढ़ाने लगे, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन को डाउन तो लाना था ना दोस्तों, इन्फ्लेशन को डाउन लाने के लिए इंटरेस्ट रेट आपने ज्यादातर कंट्रीज के बढ़ते हुए देखे, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट, इससे लोगों को और आपकी कंपनियां जहां पे आपने निवेश किया हो इनको दो प्रकार की मार पड़ी, राइट और रॉन्ग दोस्तों, एक तो खर्चे बढ़ गए, राइट, और दूसरा जो कंपनीज एक्सपांशन के लिए टैप लेती है उनको उनके इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करने लगे, लोगों को भी ज्यादा इंटरेस्ट करना पड़ा तो उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो जाती है, तो हुआ क्या दोस्तों, इससे डिमांड थोड़ी कम हुई और प्रॉफिट बहुत टूटे, राइट, तो कुछ चैलेंजेस अभी हम निकले और दूसरे चैलेंजेस आ रहे, राइट, तो ये वॉर और ट्रेड डिसरप्शन ने इन्फ्लेशन को ट्रिगर किया था, और लास्ट ईयर दोस्तों मुश्किल से इस दौर से गुजरे, को कितना डर था, बहुत से लोग हमें कहते थे पीयूष भाई सब पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए, मैं जानता हूं दोस्तों आप लोगों ने कितना पेशेंस आया, कोविड में पोर्टफोलियो टूटे थे, यू सॉ पेशेंस, देखो कैसा राइज हुआ आपका पोर्टफोलियो, पिछले साल इन्फ्लेशन से हमारे पोर्टफोलियो 20-25% टूटे थे कि नहीं टूटे थे, टूटे थे, वैसे ही दोस्तों चले पोर्टफोलियो, तो ये मैं इसलिए आपको याद करा रहा हूं नेगेटिव चीजें भी, क्योंकि ऐसा आने वाले समय में आता जाएगा, पर कुछ लोग क्या है ना दोस्तों बहुत निराश होके पोर्टफोलियो निकाल देते हैं, अब ये एक इवेंट है, वो इवेंट को हमें सहन करना पड़ेगा, हमें 1 साल 2 साल ये सहन करना पड़ेगा, पर जैसे वो इवेंट साइडवे होता है दोस्तों आप देखते हो कि पोर्टफोलियो वापस इंक्रीज होते हैं, राइट। तो हुआ क्या था, इन्फ्लेशन की स्पिल ओवर इफेक्ट, एक तो खर्चे बढ़ गए थे, इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, और आपकी डिमांड म्यूट हुई थी, हम इस पूरी परिस्थिति से निकले कि नहीं, तो दोस्तों अगली बार जब ऐसी परिस्थिति आए तो हम क्या कहेंगे, ये वक्त भी निकल जाएगा दोस्तों, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हमारी कंट्री एक जबरदस्त ग्रो कर रही है, और ग्रोइंग कंट्री में प्रॉब्लम हम समय नीचे खींच सकती है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों अगर हमारा देश का जीडीपी बढ़ रहा है,
अगर हम ग्रो कर रहे हैं दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो को जाना है, हमें ऐसे समय पे दोस्तों निवेश करता रहना चाहिए, राइट, एसआईपी करती रहनी चाहिए, राइट और रॉन्ग दोस्तों? और वो कि दोस्तों लास्ट ईयर ये चित्र बता रहा हूं मैं आपको, अब ये चित्र क्या देखना, आप तो ये समय थे ही, है कि नहीं दोस्तों? पिछला साल 19% गिरा था ना, राइट, 19% वी सॉ अ फॉल। अब 19% बाजार गिरा दोस्तों, 19 महीने रहा, राइट। अब आप सोचो कैसे निकल गए, कितना बुरा पीरियड था। पर दोस्तों ये 19 महीने कुछ भी नहीं, ऐसे दो दो तीन तीन साल के पीरियड भी आएंगे, इन सब से हमें निकलना है दोस्तों। ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, एक टेम्पररी सेटबैक देता है। देखो इस समय क्या हुआ था, राइट, लेट मी ब्लंटली एक्सेप्ट, यस ये समय पे पोर्टफोलियो डाउन थे, 20-25% तक गाड़ी पहुंच गई थी कि नहीं पहुंची थी दोस्तों। इसलिए पोर्टफोलियो डाउन होते हैं क्योंकि हम सब लोग इमर्जिंग सेक्टर में भी निवेश करते हैं, इधर ग्रोथ की उम्मीद होती है, वहां पे ग्रोथ बढ़िया मिलता है दोस्तों। लेकिन जब चैलेंजिंग टाइम आता है तो ग्रोइंग इमर्जिंग सेक्टर हाई वैल्यूएशन पे होने के कारण भी ज्यादा पड़ती है, तो पोर्टफोलियो टूटते हैं। पर दोस्तों ये एक टाइम बेस होता है, जैसे इवेंट निकला वापस पोर्टफोलियो बढ़े तो हमारा बिगड़ा क्या, आप सोचो, डाउन अप, हमको थोड़ी ना बेचना था ये डाउन टाइम में दोस्तों। ये समय पे भी लेट मी रिकॉल दोस्तों, डिविडेंड आपका बढ़ के कि नहीं आया था? देखो वैसे हम उम्मीद करते कि इंडिया जैसे कंट्री में हर साल 12-15% से डिविडेंड बढ़ना चाहिए, पर ये नहीं होता है दोस्तों। जो कगार कहते हैं ना 12-15%, कभी कभी डिविडेंड हमारे गिरेंगे भी, 5-10% से भी गिरेंगे डिविडेंड, ऐसा हो सकता है। और कभी कभी आपके डिविडेंड 25-30% से बढ़ेंगे, ये भी होगा। पर 25-30% से जब आपके शेयर चले, आपके वैल्यूएशन बढ़े, आपको डिविडेंड मिले, तो बहुत खुश भी नहीं, क्यों भाई पहले मार तो पड़ी थी, तो ये सब में से निकले, बराबर कि नहीं दोस्तों? ये जो हमने ग्राफ पिछले साल का देखा, उस समय का मेरा ये शब्द था आपको अगर याद हो तो दोस्तों, कि जैसे प्रॉफिट टूटे हैं आपकी कंपनियों के 40-40%, इस साल आप 40-50% से प्रॉफिट बढ़ते देखोगे। और दोस्तों हुआ कि नहीं हुआ, आपकी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़े दोस्तों। ये इस साल का चित्र है दोस्तों, इस साल पिछले साल 19% गिरा था, इस साल 19% बढ़ा, राइट और रॉन्ग, राइट। इस साल सेल्स आपका दोस्तों निफ्टी का कितना बढ़ा हुआ है, 7% से। सेल में कहूंगा दोस्तों इतना अट्रैक्टिव नहीं है, अभी भी ये सेल में मजा नहीं है दोस्तों, 60% से कुछ नहीं होता है। क्यों 60% है वो समझो, देखो पिछले साल धंधे 15% से बढ़ रहे थे, इस बार क्यों खाली 60% से बढ़े दोस्तों? इस साल इंटरेस्ट रेट की इफेक्ट है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाली कंपनियों में दोस्तों डिमांड लो है, तो ये 60% मजा नहीं आई। प्रॉफिट मुझे उम्मीद थी 21% से बढ़े, नहीं बढ़े, 19% से बढ़े, हमारी उम्मीद से थोड़े कम बढ़े, यानी आपके जो पोर्टफोलियो जो बढ़े हैं वो भी और बढ़ेंगे, इट्स जस्ट बिगनिंग। व्हाई आई कैन से फ्रेंड्स, कैसे पहले गिरा लास्ट ईयर, इस साल बढ़ा, राइट, तो 19-19% का हिसाब है, 19% गिरा, 19% बढ़ा, उन्होंने इस साल मान लिया, सीधा उनको इफेक्ट क्या आई, 19-19+ 30-35% से प्लस है कि नहीं आपके पोर्टफोलियो? मैं देख रहा हूं कई लोगों के जो फॉल में आपने लिए दोस्तों 35-40-45% से प्लस है, लेकिन जिन्होंने पिछले साल गिरा उससे पहले लिए होंगे उनका क्या है, 19% गिरे ना 19% चले ना, वो तो कितना हुआ, 10-12% गेन होगा खाली, उससे ज्यादा नहीं होगा, राइट। तो ये होता है दोस्तों शुरुआत, जब आपकी एंट्री हुई और अभी खाली एक फॉल आया है, एक रैली आई है, जैसे धीमे धीमे समय बीतेगा दोस्तों ये सारी चीजें हम भूल जाएंगे कि भाव के लिए है, राइट, क्योंकि पोर्टफोलियो को कुछ समय चाहिए, वो समय जैसे आपके पोर्टफोलियो को मिलेगा, राइट। अभी जिन्होंने लिए जिनके 40-40% से बढ़े, उनको भी फॉल तो देखना ही है, राइट। मुझे उम्मीद है यस ये पोर्टफोलियो 70-80% तक भी बढ़ेंगे, पर वो भी सामना तो करेंगे फॉल का, नहीं सकता है। जिन्होंने 4-1 साल पहले लिए कोविड में जबरदस्त रैली देखी, देखो पिछले साल का फॉल उनको भी देखना पड़ा कि नहीं, तो फॉल रैली आएगी, बहुत ज्यादा रिटर्न की चिंता मत करो दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो पोर्टफोलियो बना रहे, हम लोग 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना रिटर्न पाने के लिए, एक रिटर्न पाने के लिए नहीं बना रहे दोस्तों, हम लोग वो जड़े मजबूत कर रहे भारत के अंदर दोस्तों, अलग अलग सेक्टर में,
हमारा ऐसी जड़ डाल रहे कि जिससे जिंदगी आप लोगों को अर्निंग आती जाए, राइट। तो अभी प्रधान भी ने बताया कि 12 महीने का रिटर्न 31% है, कोई टेंशन नहीं दोस्तों, ये सब देखने की बहुत ज्यादा जरूर नहीं है, दिखाना पड़ता है क्योंकि लोगों को चाहिए, राइट। पर वो 31% से पहले मैंने क्या बोला, पिछले साल का फॉल भी देखने का, बराबर की नहीं, राइट। अगर नहीं देखा है तो वापस देखेंगे, बराबर। सो हम लोग का पर्पस क्या है दोस्तों इन्वेस्ट करने का, ये फॉल आएंगे ना रैली आएगी, रैली में बहुत खुश नहीं होना है, फॉल में बहुत टेंशन नहीं करना है, राइट। दिस थिंग्स आर गोइंग टू कम। हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना चाहिए पता है, जहां मेरा ध्यान है, डिस्पाइट हाई इंटरेस्ट रेट, अभी कितने इंटरेस्ट रेट हाई है, राइट, 2.5% से बढ़े। सो डिस्पाइट हाई इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड सॉफ्ट लैंडिंग विथ ईज इन इन्फ्लेशन। दुनिया भर में हमने इस साल डाउन आते देखा, देखा कि नहीं, दुनिया भर में इन्फ्लेशन हाई था, फिर भी दोस्तों यूएस को भी अपग्रेड किया, राइट, वर्ल्ड को भी अपग्रेड किया, अपनी थोड़ा पर किया तो सही, बाकी ये तो मुश्किल टाइम था। तो हमें समझना चाहिए कि इतने मुश्किल टाइम पे भी वर्ल्ड भी रेजिलियंट, जितना बुरा होना चाहिए था नहीं हुआ दोस्तों। तो इससे ये लगता है जैसे इंटरेस्ट रेट लो जाएंगे दोस्तों, इकोनॉमी उड़ेगी, खास करके भारत जैसी इकोनॉमी जो बुरे समय में भी बढ़िया रही दोस्तों। मुझे उम्मीद है 6 महीने बाद से, राइट, अब H2 से, H1 में नहीं, H2 से हम लोग हो सकता है इंटरेस्ट रेट कट देखे। पर फायदा क्या होगा पता है, देखो इस साल ये 19% प्रॉफिट आपको किसने दिया पता है, इन्फ्लेशन ने दिया, क्योंकि वो पिछले साल आपके प्रॉफिट खा गया था, राइट। तो इन्फ्लेशन के प्रॉफिट आपको मिले हैं, अगले साल कौन प्रॉफिट देगा पता है, इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो 60% का लो ग्रोथ देख रहे हो ना, यहां पे ग्रोथ आएगा। इस बार हमने देखा ज्यादातर कंपनियों का दोस्तों इतना अच्छा ग्रोथ नहीं, तो यस वी आर गोइंग टू सी गुड गुड सेल्स ग्रोथ, और इसीलिए प्रॉफिट भी बढ़ेंगे दोस्तों, राइट। इंडिया जीडीपी दिस ईयर, इस साल दोस्तों हम 291 लाख करोड़ पहुंचने वाले, कितना, 291 लाख करोड़ दोस्तों, 60% का ये ग्रोथ हुआ, बहुत अच्छा ग्रोथ है दुनिया के मुकाबले, पर इतना अच्छा नहीं दोस्तों। डबल डिजिट ग्रोथ तो होना चाहिए कि नहीं, तब कुछ मजा आएगा, ये टाइम भी आप देखोगे दोस्तों। वर्ल्ड को थोड़ा सेट हो जाने दो, हम जुड़े हुए दूसरे लोगों से, पूरा से पूरा समय देखा ना आपने, हम बुरे समय पे 6-7% ग्रो करते, दुनिया को सुधरने दो दोस्तों, डबल डिजिट आएगा, राइट। सो यस, आप बुरे समय में निवेश हो ये याद रखो दोस्तों, अच्छा समय हमें कहां पहुंचा सकता है दोस्तों। 2013 मैंने यहां लिखा हुआ है, जैसे जीडीपी 150 लाख करोड़ था, 2023 अभी इस साल 292 लाख करोड़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है 2035, मैंने बड़ा कंजर्वेटिव गिना है, कंजर्वेटिव, राइट, एकदम लो ग्रोथ, अच्छा समय गिना ही नहीं है, 658 लाख करोड़ का दोस्तों अपना जीडीपी पहुंचेगा। हमें इस ध्यान में रख के निवेश करना है यार, एक साल के रिटर्न क्या है ना, 2 साल में कितना पोर्टफोलियो बढ़ा, वो सब काम नहीं लगेगा दोस्तों। हमें काम लगेगा जब अपना जीडीपी 700 करोड़ पहुंचता है, ये सब कंपनीज की साइज कितनी होगी, जब 150 लाख करोड़ थी तब कितनी थी, यही रिलायंस कितना धंधा करती थी, यही एचडीएफसी बैंक कितना करती थी, यही वंडरला यार 50 करोड़ करती थी, 300 करोड़ पहुंची, 1000 करोड़ पहुंचेगी, राइट। हमें ये सोचना है एज जीडीपी उड़े पांड, द कंपनीज वेयर वी हैव इन्वेस्टेड, द सेक्टर्स वेयर वी हैव इन्वेस्टेड, वेयर दे आर गोइंग टू रीच दोस्तों, इसी से वेल्थ बनती है। मार्केट कैप लास्ट टाइम जब हम मिले हम 300 लाख करोड़ भी नहीं थे, है ना, हमने कहा था 300 लाख करोड़ मार्केट कैप पहुंचेगा, 300 नहीं भाई, खाली 10 लाख करोड़ की कमी है, 4 लाख करोड़ का एक रिकॉर्ड होने वाला है। सो ग्रेट, देखो ये बुरा भी है अच्छा भी है, बुरा क्यों मैं कह रहा हूं पता है, हम बहुत ज्यादा प्रीमियम में आते जा रहे हैं, मैंने जीडीपी 290 करोड़ बोली, राइट। अब हमने पास्ट में तो जीडीपी से मार्केट कैप को बढ़ते देखा ही नहीं था, ये देखो 2013 हम डिस्काउंट, पर कारण था दोस्तों बिकॉज इंडिया वॉज नॉट परफॉर्मिंग, वी वर इन डिस्काउंट, नाउ इंडिया इज परफॉर्मिंग, इनफैक्ट इंडिया का जो कद है हमारा 5% जीडीपी का कद है, हम 15% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड में दोस्तों, प्रीमियम दिख रहा है इधर, ग्रेट, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा देश प्रीमियम पे आ चुका है, पर ये बहुत ज्यादा प्रीमियम भी अच्छा नहीं, उससे गिरावट हो सकती है, राइट। हमें हमेशा हमारे वैल्यूएशन को तो समझना ही होगा, 300 लाख करोड़ की जीडीपी, 390 लाख करोड़ का मार्केट, इसीलिए हमें थोड़ा कैश रखना होगा ताकि गिरावट हो तब
कैश हो, ये कैश कौन रखेगा? तो हम लोग जनरली आपने देखा होगा पोर्टफोलियो में 5 to 10% कैश रख रहे हैं। बहुत सी बार आपको ये प्रश्न होता होगा, पीयूष भाई यार मेरे पास कैश पड़ा है, आप यूज नहीं करते हो। देखो जब यूज करने की बारी आती है ना, तब फिर मांगने पड़ेंगे। तो मांगने नहीं है हमको, 10% कैश कुछ बिगाड़ेगा नहीं। 90% पैसा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, और ये 10% दोस्तों में जरूरत में वैल्यू बाइंग में काम लगता है। दैट इज द रीजन वी कीप राइट। तो 5 to 10% की एक वेरिड रेंज में हम लोग अभी रखते हैं, मौका हमको मिले या सब उसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी 90% इक्विटी है जो धूम मचाएगा राइट, वो पीछे जीरो लगाने के लिए इनफ है राइट। मुझे उम्मीद है 2035 यस जीडीपी और मार्केट कैप 1000 लाख करोड़ के करीब हम लोग पहुंचेंगे। हमको इसका प्लानिंग करना है दोस्तों राइट, इसी के प्लानिंग के साथ हम अपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों बाजार में रिटर्न दो प्रकार के, यहाँ पे मैंने चित्र रखा है आपके सामने, 2003 1500 में किसी ने निवेश किया राइट। अब उनके लिए कोई भी जब निवेश करता है ना दोस्तों, शुरुआत के 3 से 5 साल मुश्किल है। क्यों मुश्किल होते बताओ मैं आपको दोस्तों? मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो आपको मिलता है बैंक में वो बड़ा कम होता है राइट। और 1.5% डिविडेंड के क्या करने का मैं तो देखता ही नहीं, ऐसा बोलते हैं लोग बराबर की नहीं। 1.5% कुछ भी नहीं आई एक्सेप्ट राइट, 1.5% कुछ भी, लेकिन ये डिविडेंड हर साल बढ़ता है। इनिशियली 3 to 5 ईयर में जो डिविडेंड बैंक में आ रहा है वो आपको दिखता नहीं है, तो उस पर इंटरेस्ट आता है। और जो दिखता है भाव वो तो यार बड़ा वोलेटाइल है, ये तो आज चला कल डर लगता है गिरेगा तो, है कि नहीं? और गिरा तो और डर लगता है तो, सही बात है कि नहीं? तो इनिशियल फेज में इसलिए कहता हूं लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, वो बाजार को समझ रहे होते हैं। एज पर दिस ये रियल एग्जाम्पल, 10 साल इन्वेस्टर को लगे, अगर किसी ने 1500 रुपए भी लगाया ना तो 10 साल लगे उसको 6% की डिविडेंड यील्ड तक पहुंचने में। शुरू के समय में डिविडेंड आपका इस प्रकार से बढ़ता है, पर दोस्तों उसके बाद आप ये 10 साल देखो दोस्तों, जितना लगाया था पूरा डिविडेंड वापस आया। लगाया 1500 रुपया, डिविडेंड ही 2000 का आ गया। इसका मतलब मैंने 1 करोड़ लगाया है पीएमएस में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल राइट। शुरुआत के तौर में मुझे डिविडेंड आया नॉट इंटरेस्टेड, पर वो धीमे धीमे बढ़ रहा है राइट। एक समय बीता दोस्तों, यू विल सी द स्पार्क इन योर डिविडेंड यील्ड। इसको भूलने का, ये बड़ी इनकम है, चाहे वो इनकम है जो हमारे रिटायरमेंट को काम लगेगी दोस्तों, हाई यील्ड राइट। सो यस, जैसे समय बीतता है ये डिविडेंड यील्ड बढ़ती है दोस्तों। उसके अलावा वैल्यूएशन तो है ही ना, पर सिर्फ वैल्यूएशन काम की नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूएशन गिरेगी भी दौड़ेगी भी। कंसिस्टेंट क्या है दोस्तों जो बैंक में आ रहा है? डिविडेंड। दोस्तों मेरा ध्यान उधर होता है कि जो आपका पैसा लगा है दोस्तों, जो हम इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों वो डिविडेंड मुझे हर साल चाहिए, एवरी ईयर मेरे को वो डिविडेंड चाहिए। पर वो तुरंत नहीं होता है दोस्तों, आपकी कंपनीज को बड़ा बनने में टाइम लगता। कब से हम लोग ने एशियन पेंट ने अल्ट्राटेक में पैसे लगाए हुए दोस्तों, बरसों हो गए। ये लोग 10-15 हजार करोड़ का टर्नओवर करते थे, देखो टर्नओवर बढ़ता गया, आज कितने बड़े हम कंपनियों में निवेश कर रहे, हम सट्टा नहीं खेल रहे कि ये शेयर बढ़ा कि नहीं, वो शेयर बढ़ा कि नहीं। बड़ा बढ़ा हुआ घटेगा, घटा हुआ चलेगा। मेरा स्टैटिक क्या है जो मेरे बैंक में आने वाला है राइट। सो फोकस ऑन दैट थिंग। दोनों चीजें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी से मुझे दोनों फायदे हो रहे हैं, ये मेरी डिविडेंड इनकम। क्योंकि हम जब शेयर लेते हैं हम प्रमोटर के साथ आके बैठे हैं दोस्तों, प्रमोटर को भी कब फायदा होने वाला है? काम कर रहा है तो सैलरी ले रहा है, ऐसा उसकी सैलरी नहीं ले रहा है राइट। काम कर रहा है सैलरी ले रहे, पर उनको सैलरी के अलावा क्या दोस्तों? उनकी कंपनी कितना पैसा, उन्होंने भी आपकी तरफ पैसा डाला हुआ है दोस्तों, उनको भी डिविडेंड से ही मजा आती है। डिविडेंड आया, उनको भी कितनी बड़ी यील्ड मिली। तो एज अ स्टेक होल्डर वी आर इन अ चेयर विद प्रमोटर्स, हमें भी उन्हीं की तरह दोस्तों डिविडेंड आता है, जितना हमने लगाया, उन्होंने पैसा लगाया, उनको डिविडेंड आ रहा है राइट। इसके अलावा वैल्यू
पूरे समय में दोस्तों काम लगते हैं। देखो ये रिटायरमेंट लाइफ देता है, ये कंसिस्टेंट इनकम देता है, डिविडेंड वैल्यूएशन दोस्तों हमें काम लगते हैं समय गुजरने पर, क्योंकि वैल्यूएशन होते हैं, राइट। तो दोनों चीज होगी दोस्तों शेयर बाजार में, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। आपने वो कहानी सुनी होगी सोना का अंडा देने वाली मुर्गी, याद है कि नहीं? बहुत लोगों को ये लगता है अरे यार सोना का अंडा दे रही है मुर्गी, काटो मुर्गी को, सब अंडे बाहर। लोग दोस्तों ऐसा ही कर करके शेयर बेच देते हैं। कितने मेरे दोस्त मैंने देखा दोस्तों, सब पहले ये जो आज शेयर आज 100-100 गुना हुए वो तो कब के बेच के बैठे, उनको उसी दिन अंडा चाहिए था। वैल्यूएशन, उनका शेयर डबल हुआ 3 गुना हुआ, घबरा के भाग गए, फिर वो गिरा भी तो उनको कहने आए देख मैं तो निकल गया तुम फंस गए, राइट। पर हम लोग ये आधा और डबल की कहानी में पढ़ते नहीं है दोस्तों, हमको रिटर्न बिटर्न में इतना, मैं कहूँ आपको क्वार्टरली ईयरली या 2-3 साल के रिटर्न में हम लोग विश्वास नहीं करते दोस्तों। हम लोग कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, ये कंपनियों को बढ़ने दो दोस्तों शानदार, ये जिंदगी भर के लिए दोस्तों हमें अंडे चाहिए, हम मुर्गी को नहीं काटेंगे, जिंदगी भर हमें इनकम देने वाली है। आज मैंने दोस्तों बालकृष्ण बेच दिए, अब मुझे वो कौन 1,25,000 रुपया हर साल का देगा दोस्तों, राइट फ्रेंड। से उधर उधर से उधर, ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, तो थोड़ा शांति रखेगा दोस्तों। हम लोग पूरे भारत पे फोकस कर रहे हैं, ये अपना कंट्री दोस्तों 878 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुंचेगा, जो अभी 390 है। मैं 100 लाख करोड़ था तब 400 लाख करोड़ की, 300 लाख करोड़ के लोगों को कहानी सुनाता था, जैसे आज आपको सुना रहा हूं, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये अंडर परफॉर्मेंस में पहुंचे, अभी तो अपना परफॉर्मेंस शुरू नहीं हुआ है, राइट। इस पे ध्यान दो दोस्तों, जब अपना कंट्री ये लेवल पे रहा है दोस्तों, कई सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत बड़े बनने वाले हैं, पार्टनर बनो उन कंपनियों के। वी आर फोकसिंग टू इंक्रीज स्टेक, मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपना स्टेक धीमे धीमे और बढ़ा सकते, बराबर। पर ये फोकस रखे दोस्तों, हम अलग अलग सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, राइट। हाउ वी इन्वेस्ट दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं, एक तो डिमांडिंग इंडस्ट्रीज दोस्तों, अगर अपना कंट्री 300 लाख करोड़ से 600 लाख करोड़ की जीडीपी की सफर पार करेगा, बहुत ज्यादा नहीं है ये तो, अभी कुछ ही समय की बात है, तो कौन से इंडस्ट्री दोस्तों करेंगे, उन पे हमारा ध्यान है। अब कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ इंडस्ट्रीज के लिए लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, पर ये समय पे कुछ म्यूटेड टाइम चल रहा है, कुछ चैलेंजिंग, तो उससे हम टेंशन नहीं लेते कभी। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर नहीं बिगड़ना चाहिए, राइट। जैसे मैं आपको जस्ट रिसेंट एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, लास्ट लोग मिले तब आपको पता होगा बजाज ऑटो नहीं परफॉर्म कर रहा था, बुरे हाल थे, बराबर कि नहीं। एचडीएफसी एएमसी आप लोगों ने कहा था पीयूष भाई हम लोग निकाल दे क्या पूरे पूरे, नहीं परफॉर्म करने वाला लगता है, लाइफ टाइम हाई बजाज ऑटो, लाइफ टाइम हाई दोस्तों, हम निकाल देंगे पूरे पूरा तब, जब हमको लॉन्ग टर्म कहानी बिल्कुल ना लगे। बट वी नो ये कुछ समय का म्यूटेड पीरियड है दोस्तों, हमको साथ रहना पड़ेगा कंपनी के, हम खाली अच्छा समय कंपनी का उम्मीद करें वो नहीं चलता है, दोनों समय से बिताना है हमको, राइट। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, वी आर लुकिंग ऑन डिमांड, हमारा कंप्लीट ट्रैक होता है डिमांड के ऊपर, राइट। अभी पिछले साल आपको पता होगा दोस्तों, केमिकल जैसे वो सब सेक्टर जबरदस्त चल रहे थे, इस साल उनकी हालत टाइट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं तो बेचो इधर से, कुछ समय होगा नो प्रॉब्लम, डिविडेंड आपको आता जा रहा है। तो वी आर लुकिंग ऑन डिमांडिंग इंडस्ट्रीज, उसकी क्वालिटी कंपनी ऐसी हम पकड़ते हैं दोस्तों, उससे बेहतर कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा सेक्टर्स एंड कंपनीज, आपको उससे बेहतर कंपनी मिले आप मेरे को बता देना, राइट। यस यू कैन डिस्कस विद प्रधान भाई व्हेनेवर यू वांट, आप उनसे बात करो, पर आपके मन में कुछ है कि नहीं पीयूष भाई ये कंपनी क्यों नहीं, बोलो कोई टेंशन नहीं है। पर देखो हम रिस्क नहीं ले सकते, हम लोगों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, जवाब देना है, तो हम वो ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं इधर ग्रोथ दिख रहा है इधर भागो, उधर ग्रोथ कर रहे उधर भागो, हमको लॉन्ग टर्म ये हाईवे बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, तो हम वो कंपनी में निवेश करेंगे, उससे बेहतर कोई और नहीं होगा वो सेक्टर में, राइट फ्रेंड्स। और मौका मिलने पे दोस्तों वैल्यू बाइंग करनी है दोस्तों, राइट। देखो आप में से वो व्यक्ति जिनके अभी फॉर एग्जाम्पल आपकी 1 करोड़ की टोटल एसेट है, एफडी ना पीपीएफ या जो आपको गिनना हो वो सब, शेयर बाजार में 0 एसेट है, शेयर बाजार में मान लो हमने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, तो फिर वैल्यू बाइंग नहीं करना चाहिए सबसे पहले, उनको तो क्या करना चाहिए, बाजार में पांव तो रखने पड़ेंगे कि नहीं, राइट। वैल्यू बाइंग उनके लिए है जो शेयर लेके बैठे अभी,
अभी नया नया इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? वैल्यू बैंक पे करेंगे, राइट? बट जीरो तो नहीं चलेगा, आपको कोई भी लेवल पे लेना पड़ेगा। हम 5,000 निफ्टी पे भी दिलाते थे, 10 पे भी दिलाएंगे, हो सकते हैं 25,000 के निफ्टी पे भी ऐसी मीटिंग हम करेंगे अगले साल, राइट? तो बाय कोई भी लेवल पे करना है, अगर कुछ भी नहीं है तो शेयर ही नहीं है, बढ़ेगा क्या? चलो घटेगा तो घटेगा 1.5-2 साल, पर आखिर बढ़ना तो है ही ना, राइट? सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ वैल्यू बाइंग, राइट? वैल्यू बाइंग करना है पर पांव जमा के करना है, पांव रख के करना है। दोस्तों ये कुछ वेटेज है, आप में से बहुत से लोग कहते हैं पीयूष भाई यार खाली स्मॉल कैप में डालो, 2 साल बाद कहते थे पीयूष भाई क्यों स्मॉल कैप में डालते हैं यार, राइट? देखो हम कभी बायस नहीं होते, ना मुझे लार्ज कैप से नफरत है, ना मुझे लार्ज कैप से प्यार है, ना स्मॉल कैप से नफरत है, ना स्मॉल कैप से प्यार है, हम बिल्कुल डेटा एनालिसिस के साथ चलते हैं दोस्तों, राइट? हमारा पर्पस क्या है? यस, इकोनॉमी जो बढ़े उसमें मेरे पास इमर्जिंग सेक्टर होने चाहिए जो मुझे ग्रोथ दे, उड़ान दे, जो मेरे पोर्टफोलियो को 15% का ग्रोथ दे सके नेक्स्ट 10 ईयर्स। दोस्तों मुझे ग्रोइंग चाहिए, राइट? इमर्जिंग ग्रोइंग में फर्क क्या है? इमर्जिंग सेक्टर 3 गुना चलते हैं जीडीपी से, कितना? 3 गुना तेजी से, ग्रोइंग डबल चलते हैं, पर ग्रोइंग की कंसिस्टेंसी होती है प्रॉफिट्स, और मैच्योर सेक्टर होते हैं जो जीडीपी जितना चलते हैं, पर वहां के प्रॉफिट्स एकदम टकाटक होते हैं, मस्त, राइट? वो टेंशन नहीं देते हमें। तो जब बुरा टाइम आता है आपको मैच्योर सेक्टर बचाता है दोस्त, नहीं तो धड़ाम से पोर्टफोलियो डाउन हो जाते हैं, राइट? अच्छे समय पे ये इमर्जिंग सेक्टर आपको दौड़ाते हैं, राइट? तो हमें सबका मिश्रण चाहिए, हमें रातों रात पोर्टफोलियो नहीं दौड़ाना है, पर यस भयंकर जब खराब से बचना भी है। सो वी आर इन्वेस्टिंग इन ऑल दिस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आपका जो पोर्टफोलियो है ये मल्टी कैप है दोस्तों, सेगमेंट में भी हमारा कोई बायस नहीं, हम थीमेटिक फंड नहीं है दोस्तों। थीमेटिक फंड में होता क्या है दोस्तों, कुछ समय जबरदस्त रिटर्न होते हैं, जैसे एक टाइम ऑटो बहुत भयंकर दौड़ता था तो लोग ऑटो के पीछे पागल थे, टीम फिर ऑटो की परफॉर्म करती थी और ऑटो के फंड जबरदस्त दौड़ते थे। फिर 2017 के बाद हालत टाइट हो गई, 5 साल डिब्बा, ऐसा करना है क्या? अभी जैसे डिफेंस पावरफुल है, करने का इन्वेस्ट पर एक लिमिट है ना, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी दोस्तों पावरफुल सेगमेंट है कोई भी कंट्री के लिए जो डेवलपिंग से डेवलप जा रहा है, पर हम 100% डाले क्या? अगर 100% डालते दोस्तों कोविड में हालत क्या होती हमारी, क्योंकि बुरे समय में यही वो सेगमेंट है जहां लोग खर्चा कम, राइट? सो यस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में पैसा है, राइट? 32% जितना हम पैसा रखते हैं, इस साल इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से इन्फ्लेशन तो कम है, पर ये सेक्टर में दोस्तों बहुत सी कंपनियों में लो ग्रोथ आया है, कोई टेंशन नहीं, अगले साल आ जाएगा ग्रोथ। फाइनेंशियल सर्विस दोस्तों बढ़िया सेक्टर, राइट? पर 100% क्यों मैं डालू फाइनेंस में? देखो 100% डाला होता तो ये साल तो पूरा अंडर परफॉर्म किया है, बैंकिंग ने कैसा परफॉर्म किया? नहीं किया। फाइनेंस ने किया? नहीं किया। क्यों? इंटरेस्ट रेट हाई है, उनके मार्जिन दोस्तों श्रिंक हो जाते हैं। अब जैसे 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, तब तक हमें पोजीशन बना देनी पड़ेगी, यहाँ यहाँ मस्त वो चेस में कैसा करते हैं, ये जगह पे डाल दो, जैसे घटेंगे तब जो लेने आएंगे ना उनको माल नहीं मिलेगा, इन्वेस्टर एडवांस काम कर लेते, राइट? तो हम ये सोचे नहीं यार फाइनेंशियल सर्विस बुरा कर रहा है, भागो इधर से, नो फ्रेंड्स, 2035 पे फोकस रखे। आईटी देखो बुरा कर रहा था, फिर भी 12% है कि नहीं हमारे, हम जीरो नहीं होते, बराबर है? अब जैसे हमारी जो कंपनी है आईटी का परफॉर्मेंस बुरा है अभी, पर अपनी टीसीएस ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया दोस्तों, बढ़िया है, काम हो गया, अच्छा टाइम नहीं है पर उम्मीद पे है, राइट? कि भी अभी डबल इकोनॉमी ग्रो करेगी ऐसा लगता है तो टीसीएस दौड़ा, बराबर? तो मैं पूरा बेच के निकल जाऊं? नो फ्रेंड्स, कॉमोडिटीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, इंडस्ट्रियल, देखो कुछ थीम खाली इंडस्ट्रियल पे है। अब मैं 3-4 साल पहले देखता था कुछ थीम खाली हेल्थ केयर पे थी, तो जो क्या हुआ होगा, नहीं करने का, राइट? ये वेल डाइवर्सिफिकेशन है जहां पे रिस्क कम रहता है और हमें पूरे भारत का दोस्तों फायदा होता है, राइट? मैंने यहाँ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का जैसे डेटा दिया हुआ है, आपको स्लाइड मिल जाएगी, आप शांति से देखना, अभी मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा, पर इसमें से मुझे पढ़ के बताना दोस्तों कौन सी कंपनी में मुझे पैसा नहीं डालना चाहिए, कौन सी लगता है नहीं ग्रो करेगी, राइट? हमारे पास वैलिड रीजन नहीं हुए तो मैं मानू दोस्तों,
हमारे पास वैलिड रीजन होंगे। देखो ये मारुति में हम लोग जब ऑटो था ना, हम लोग आधे टके पे आ गए थे। लो क्यों, उन्हें तो चाहिए ही भाई, कल ऑटो बढ़ेगा तो बोलने थोड़ी ना आएगा। जैसे ऑटो में दो टन आने लगा, पता चला कैसे स्टेक अपना 3.3% आ गया, राइट। सो जस्ट वॉच आउट, टीटीके पूरा परफॉर्म कर रहा है 2 साल से, राइट। स्टेक ऑलरेडी अपना कम है, क्या टेंशन लेने का। जैसे ही ग्रोथ दिखेगा आपको यहाँ पे वेटेज बढ़ा हुआ दिखेगा, तो नो नीड टू वरी, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस, दिस इज योर सेगमेंट। ये इरडा की एंट्री आपने देखी होगी, नहीं, क्योंकि रिन्यूएबल में दोस्तों हमको निवेश करना था, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी दोस्तों रिन्यूएबल में, कुछ थी पर वहां पे सस्टेनेबल अर्निंग मिले ऐसा नहीं था, राइट। तो हमें क्या चाहिए, हमें रातों रात होने वाला तो नहीं चाहिए, हमें सस्टेनेबल अर्निंग चाहिए दोस्तों, इरडा दे सकती है, राइट। तो इरडा यस, वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने परसों से, राइट, बहुत समय से हम लोग यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि बुरा टाइम था और ऐसे में इनको बहुत मार पड़ी हुई है। पर अब हमारा ध्यान आएगा, अब देखोगे धीमे धीमे आपके पोर्टफोलियो में जगह बनेगी, क्योंकि अभी फाइनेंस पूरा बुरे समय में है, ये सब 52 वीक लो बनाएंगे, लेकिन ऐसे ही समय तो हमको ऐड कर, ताकि जब 52 वीक नहीं लाइफ टाइम हाई लगे हम अंदर हो, गॉट इट, राइट। आईटी, यू कैन सी विच कंपनीज यू हैव, मैप माई इंडिया की आपकी लास्ट ईयर रिसेंट एंट्री हुई थी, राइट। इंडस्ट्रियल, L&T, DEL, सुप्रीम, टेल मी विच इज बैड कंपनी। नहीं पीयूष भाई, ये कंपनी ये सेक्टर में नहीं रखनी चाहिए। कॉमोडिटी, फिडिलाइट, अल्ट्राटेक, PI इंडस्ट्री, JSW Steel, राइट, FMCG, पतंजलि, टाटा कंज्यूमर, UPL, नेस्टले, जो यहाँ पे मैंने नेस्टले लिखा है ब्रिटानिया के बदले, राइट, एंड हिंदुस्तान लीवर। यहाँ पे आपको कुछ चेंज मैं बता दूं दोस्तों आपको, जस्ट छोटा सा, गोदरेज कंज्यूमर दोस्तों लिस्ट में आपको नहीं दिख रहा है, राइट। ऐसा नहीं है बुरा परफॉर्म करेगा, करेगा परफॉर्म दोस्तों, वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा जैसे FMCG परफॉर्म करेगी, पर दोस्तों हम लॉन्ग टर्म 15% की उम्मीद नहीं रख पा रहे, राइट। और गोदरेज में जब हम निवेश करते थे तब दूसरी चॉइस नहीं थी दोस्तों, टाटा बढ़िया चॉइस, आप लोगों को पता ही है जो वर्षों से हो दोस्तों, हम पहले खाली आधा टका इन्वेस्ट करते थे, स्लोली स्लोली स्टेक बढ़ा के दोस्तों 2% इसलिए किया, ये लोग पर्सनल प्रोडक्ट कर रहे हैं, सो यस वी आर गोइंग टू इंक्रीज द स्टेक इवन इन द फ्यूचर, राइट। तो गोदरेज का पैसा हमने यहाँ पे डाइवर्ट किया, 1.5% टाटा था हमने उसको बढ़ा दिया। दूसरा, ब्रिटानिया में दोस्तों डेप्ट कई समय से है, कई समय से बातचीत हो रही है, बट डेप्ट कम नहीं हो रही है, अब तुरंत बेच नहीं सकते दोस्तों, कारण है यार 150 के है उसमें डिविडेंड ही हमको कितना आता है, जितने के लिए है उतना डिविडेंड आ रहा है, राइट। टैक्सेशन मैटर्स, राइट, अब पूरा नहीं निकल सकते, लेकिन हम कर रहे कब, तो नए जो निवेशक होंगे उसमें फिर हम नेस्टले करने वाले, पर जो पास्ट पुराने निवेशक होंगे बहुत पहले के नहीं है, तो हम यस ब्रिटानिया का पैसा में धीमे धीमे लगाएंगे। जनरली हम एग्जिट नहीं होते, पर यहां पे करना पड़ेगा दोस्तों, डेब्ट कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और हम क्यों डेब्ट बर्डन रहे जब हमारे फ्री कंपनीज हो, राइट फ्रेंड्स। सो जस्ट नोट इट डाउन दिस आल्सो। नेक्स्ट, एनर्जी दोस्तों, एनर्जी में दोस्तों एक बहुत कमी है, देखो रिलायंस तो है ही एनर्जी में, साथ में पावर सेक्टर में कोई कंपनी नहीं दोस्तों, पावर डिस्ट्रेस था, पावर की जबरदस्त जरूरत थी, पर पावर की कंपनियां करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पेमेंट आते नहीं थे, तो कंपनियां सब लॉस मेकिंग, कंपनियों पे डेब्ट बढ़ती जा रही थी, बुरा हाल था दोस्तों। पर पावर की डिमांड कोविड के बाद बहुत बड़ी है, और आने वाले समय में जो कंजप्शन और बढ़ने वाला है, राइट। अब इसके साथ दोस्तों कंपनीज भी एक्सपांड कर पाएगी, क्योंकि जो उनको पेमेंट के प्रॉब्लम थे जिससे वो लोग डेब्ट डिस्ट्रेस हुए, वो टोटली बाईपास हो गए, पेमेंट उनको अच्छे आ रहे, तो हम भी इस सेक्टर का फायदा लेंगे। वी हैव जस्ट बिगन विद कोल इंडिया, यहाँ पे आप और एक आधी कंपनी की भी नाम देखोगे, बट वी आर जस्ट वॉचिंग कि वो कैसे डेब्ट को कम कर रहे, राइट। इंडिगो सर्विसेज सेक्टर में, राइट, आप जानते हो दोस्तों एयरलाइन, टेलीकॉम में असल में हमारे पास रिलायंस है, तो वो टेलीकॉम का भी पार्ट हुआ, राइट, पर रूट मोबाइल यहाँ पे है, राइट। सो दिस वॉज योर सेक्टर, क्या स्ट्रेटेजी हुई दोस्तों, देखो डाइवर्सिफाई किया है, अभी कुछ कंपनी में डायवर्सिफिकेशन बहुत जरूरत है, राइट। साथ में फोकस भी करना है,
इसी कंपनी में फोकस करना है, इसी कंपनियों में हम निवेश धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे, राइट। अब आप में से जो लोग कमा रहे हो दोस्तों, मैं आपको कहूंगा आप SIP करो। क्यों दोस्तों? आपकी ये सब कंपनी 15% से ग्रो करेगी तो आपकी इनकम भी तो बढ़ने ही वाली है, तो 15% का ग्रोथ मिलेगा। पर दोस्तों कमाल हो कि ना हो, अगर मैं मेरा स्टेक भी धीमे धीमे बढ़ाता जाऊं, मैंने 100 रुपया डाला है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, राइट, कल प्रॉफिट 3 गुना हुए, आपके वैल्यूएशन भी 3 गुना होती है। पर मान लो जब 3 गुना प्रॉफिट हो 2035 में, तब तक मैंने स्टेक बढ़ा दिया, आपको रिटर्न में दोस्तों दुगना फायदा होगा, दुगना फायदा, राइट। तो हर कोई नहीं कर सकता, आप में से कई लोग रिटायर भी हो, ऑल राइट, पर जो लोग कमा रहे हैं कंसिस्टेंटली डू SIP, गोल रखो दोस्तों मेरे को ये हर एक कंपनी के प्रॉफिट इतने बढ़ने वाले हैं, डिविडेंड यील्ड बढ़ने वाले, आई वांट टू इंक्रीज माय स्टेक इन दिस कंपनीज, वो कैसे होगा? SIP, SIP को कभी भी लाइटली ना लो दोस्तों। अभी पेल पी इसका है कितना है? अभी पी 23 का चल रहा है, फेयर पी 21 है, तो फेयर पी से थोड़ा महंगा है, थोड़ा महंगा, ये नहीं कहेंगे बहुत महंगा है। ये रैली कंटिन्यू 25,000 भी जा सकती है, 25 to 58, ये मैंने हाई वैल्यूएशन के हिसाब से लिखा है। तो यहाँ पे खुश नहीं होने, आप देखोगे जैसे जैसे रैली आएगी आपकी कैश बढ़ती जाएगी जो आपने डाला हुआ है पैसा, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे रैली होगी हमको थोड़ा कैश में आना पड़ेगा, पर दोस्तों एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम 10-15% से ज्यादा कैश में नहीं आ सकते, राइट, क्योंकि इक्विटी पोर्टफोलियो है, ये कोई बैलेंस फंड नहीं है दोस्तों, राइट। जहां पे 90% इक्विटी होगी, मैक्सिमम 10 या मैक्सिमम मैक्सिमम अगर बहुत हमें रिस्क लगे तो 15% कैश, उससे ज्यादा हम कैश नहीं कर सकते, राइट। पर इसका क्या आप इससे फायदा उठाओ वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। हमने अगर 10-15% कैश की तो साइड वे आप क्या कर सकते, उसके उल्टा भी मैं एक चीज बताऊं दोस्तों कि अगर बाजार नीचे आता है तो 18186 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, ये बहुत ही लुक्रेटिव होंगे, तो इसके लिए रखना पड़ेगा 10% कैश। अब ये 18 आएगा कि नहीं, ये आने वाली इकोनॉमी पे डिपेंड है दोस्तों, इकोनॉमी सुधरती गई 25,000, जो भी प्रॉब्लम आया बिगड़ा 18,000, दोनों की तैयारी रखने की। अगर टूटता है आपके पास कैश है, अगर चलता है आपके पास शेयर है, दोनों तरफ से पैसा, राइट फ्रेंड्स। सो दिस शुड बी स्ट्रेटेजी। अब आप क्या कर सकते हो, हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज रिटर्न, बताओ दोस्तों क्या करना चाहिए? सबसे पहला दोस्तों बैलेंस इन्वेस्टमेंट रखो। मुझे नहीं पता कि जब हमारी टीम की आपके साथ बातचीत होती है, पर मैं हर बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, जितना पैसा आपने हमें दिया है इक्विटी में, राइट, हमारा काम क्या है, इक्विटी में आपका निवेश को स्मूथ लाइन करना, जितना पैसा आप इक्विटी में डाल रहे हो उतना ही पैसा दोस्तों आप कैश में रखो, कैश में यानी FD, राइट। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे भी जो आपके पैसे वो लिक्विड में होते हैं, जो आपको सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट भी दे सकेंगे, कैश पैसा तो मिले, पर आप दोस्तों फिक्स डिपॉजिट, फिक्स सिक्योरिटीज, गोल्ड वगैरह में रखो। अगर सीधे सीधा खाली हमको दे दिया पैसा, बाजार गिरेगा तो तब आप दूसरा पैसा डालोगे किधर से, है कि नहीं? देखो मैंने अभी पास्ट उदाहरण बताया, 19% गिरा, 18% बढ़ा, मतलब 19 कवर करने के बाद 18% बढ़ा, पर 19% गिरा वो टाइम पे अगर मैंने और शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया होता इतना ऑप्टिमाइज होता पोर्टफोलियो, पर अगर मैं बैठे रहा दोस्तों तो क्या, तो मुझे रिटर्न कम मिलेंगे, राइट। करना क्या चाहिए, प्रॉपर बाजार में डाल रहे हो साथ में पैसा रखते जाओ, जहां पे आपने 5 लाख दिया FD भी 5 लाख की करते जाओ, नहीं है कोई बात नहीं 2 लाख ही हमको दो ना, राइट, पर साथ में FD भी करो, जितना हमको दे रहे हो दोस्तों साथ में आपके पास पैसा होना चाहिए। मैं आपको खराब समय के लिए बता रहा हूं, खराब समय बोल के नहीं आता है, कहीं पे कुछ युद्ध हो गया, बाजार गिरता है तो गिरने से हमको डर नहीं है, पर गिरने का फायदा भी तो उठाना है, फायदा कैसे उठाएंगे दोस्तों, निवेश करके, तो आप इन्वेस्ट कर सकते दोस्तों, राइट। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, फंड रखे ताकि आप फायदा उठा सको। सेकंड, अवॉइड स्पेकुलेटिव मूव दोस्तों, आपके रिटर्न को कभी कभी स्पेकुलेटिव मूव गिराते हैं, मुझे दुख होता है दोस्तों ये देख के कि बहुत से लोग ये कहते हैं पीयूष भाई बाजार बहुत गिरने वाला है। मैं आपको बताऊं अब पे सबसे ज्यादा फोन कब आए प्रधान भी पे भी, जब बाजार ने लो लगाई ना दोस्तों, उस दिन भी कुछ लोग थे जिन्होंने शेयर बेचे थे, कैन यू बिलीव इट, क्योंकि माहौल ऐसा दोस्तों,
माहौल ऐसा होता है, नहीं प्रधान भाई यार बेच ही दो यार मेरे को, आप 5-10 लाख छुट्टा करके दे दो। लोएस्ट लेवल पे अगर हम बेचेंगे उन्हीं को, रैली में लगता है यस यहां से बाजार गिरने नहीं वाला है, वही पैसा रैली में डालेंगे दोस्तों, जो 31% रिटर्न बताया वो बराबर रिटर्न दोस्तों उल्टे कम होते हैं, तो हम यहाँ पे रिटर्न बढ़ाने के लिए बैठे दोस्तों। स्पेकुलेशन नहीं करो, कंटिन्यू SIP करो, SIP आपको ऑप्टिमाइज करके देगा। स्पेकुलेशन क्यों करने का, अगर गिरा तो गिरने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो एक नियर टर्म को गिरता है फिर दौड़ेगा राइट। जो कंपनी के मालिक लोग हैं दोस्तों जिनके करोड़ों रुपए लगे उनको भी वो टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये समय भी निकल जाने दो दौड़ने वाला है, टेंशन नहीं लो दोस्तों, कोई स्पेकुलेटिव मूव ना करो, आपने यहां हेज कर दिया वो हेज कर दिया कोई जरूर नहीं है दोस्तों। बेस्ट है पता है, ग्रोइंग सेक्टर में पैसा लगाओ, क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाओ और कैश रखो, इससे अच्छा हेज मैंने नहीं देखा। थर्ड, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज इट गिव बूस्टर डोज टू रिटर्न। SIP करो दोस्तों, SIP, रिटायर्ड लोग नहीं कर पाएंगे, नो नीड टू वरी दोस्तों, समय दो यस दोस्तों, परफॉर्मेंस बढ़िया ही रहेगा, यस वी आर गोइंग टू सी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स प्राइस राइट। मैं टीम से भी मिला दूं, आप सब वैसे तो मेरे से ज्यादा को जानते हो राइट। प्रधान भाई अभी आपकी बात हुई दोस्तों, प्रधान भाई बहुत बढ़िया रिसर्च है दोस्तों उनका, मैं चाहूंगा जब भी आपको कहीं भी कुछ कठिनाई लगती है, आपको लगता है डिप्रेशन, बात कर लो एक बार प्रधान भाई से राइट। इनका ध्यान हर एक सेक्टर पे, हर एक कंपनी पे होता है बराबर, हर वक्त करते हैं प्रधान भाई, तो इनकी पढ़ाई आपको काम लग सकती है, ये एज में भी पढ़ाई करते हैं। कौशिक भाई कहीं भी आपको कोई मान लो ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, स्टेटमेंट बेटमेंट चाहिए, से कोई भी काम हो आप कौशिक भाई को बोलो, वो सब इमीडिएट होगा, वो मुझे भी नहीं पता रहता है बहुत सी बार राइट, तो वो कौशिक भाई आपको तुरंत करके देंगे। और प्रसाद, आपको लगता है आपको किसी का रेफरेंस देना है, आपको किसी को निवेश कराना है, आप प्रसाद से मिला दो राइट। तो ये टीम, इतनी टीम अभी आप लोगों से मैं मिलाता हूं, बाकी हम लोग हर साल एक लाइव सेशन रखने का प्लानिंग भी कर रहे हैं दोस्तों, लाइव मतलब मिलेंगे जैसे बीच में मुंबई में मिले थे राइट। इस साल हमारा जून के आसपास बॉम्बे में एन्युअल इवेंट रखने प्लानिंग है, हम आपको भी इन्फॉर्म करेंगे दोस्तों राइट। तो साल में एक बार सब लोग मिलेंगे भी, तब आपकी पूरी टीम से पहचान भी होगी। यहाँ पे दोस्तों मैं क्वेरी सेशन के लिए फ्लोर को ओपन करता हूँ, एक एक करके दोस्तों आपको जो क्वेरी हो आप हैंड रेज कर सकते हो राइट, और हम एक एक करके बात आपकी क्वेरी पे, चाहे कोई स्ट्रेटेजी पे क्वेरी हो, सेक्टर पे क्वेरी हो या कंपनी पे क्वेरी हो राइट। कौशिक भाई हाँ पीयूष भाई, या राइट, अभी आपकी बारी है बराबर। चलिए तो इन्वेस्टर्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन रेज योर हैंड। ब्रिजेश चौकसी सर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर क्वेरी। ब्रिजेश भाई, यस ब्रिजेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस ब्रिजेश भाई, अभी आप कर पाओगे अनम्यूट, अभी करके देखो तो। या जी ब्रिजेश से बोल ब्रिजेश भाई कैसे हो, रहा पहले हूँ, बोल एकदम बढ़िया तबीयत रहा पानी हूँ, में? चलो एकदम बढ़िया हूँ, बढ़िया बढ़िया चलो, बढ़िया कैसा चल रहा है ब्रिजेश भाई? बहुत बढ़िया। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, आपका स्टाइल इज वेरी गुड एज फार एज कंसर्न, एंड आई कैन सी द फ्यूचर वॉरेन बफेट इन वडोदरा। थैंक यू वेरी मच, हमारा काम लेकिन सो ये ब्रिजेश भाई की फ्यूचर वॉरेन बुफे को बनाना राइट, भारत भर में इतने सारे लोग सीख रहे हैं, और इंडिया ग्रो होगा तो बहुत से यहीं से निकलेंगे राइट, हमें बाहर की जी कहानियां जी सुनने की जरूरत नहीं ओके पड़ेगी। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम तो पूरा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी हैव एनी अपना फोर्सिंग के हम फॉरेन मार्केट में जहाँ अच्छा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहता है तो उसमें भी निवेश करके उसका भी मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो कभी कभी वेरी लुक्रेटिव एंड एज फार एज कंसर्न टू द इन्वेस्टमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, सो कैन वी सी इन दैट सिनारियो कि हम इसी फंड से उसमें भी इन्वेस्ट
अपॉर्चुनिटी ढूंढे। राइट, देखो ये फंड से हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब प्रोडक्ट हमने पास की तो हमने इंडियन मार्केट के लिए पास की हुई है प्रोडक्ट, राइट? ओके, तो यहाँ पे तो हम इंडियन मार्केट में ही निवेश करेंगे, पर फॉरेन में अगर निवेश करना है तो मेरे ख्याल से यूएस एक अच्छा कंट्री है, राइट? और यूएस को भी जो ग्रोथ वो दूसरी हम जैसी इमर्जिंग कंट्रीज से मिल रहा है, तो मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट 10-15 इयर्स में इंडियन मार्केट के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होंगे और जरूर नहीं पड़ेगी कि मैं कोई और देश में निवेश करूं, है ना? क्योंकि अभी अगर हमको कोई नीचे खींच रहा है तो हमको यूरोप यूएस की वजह से हम नीचे आ रहे हैं। जैसे आईटी इंडेक्स नीचे आया, अभी प्रधान भी बालकृष्ण इंडस्ट्री का रिपोर्ट बना रहे थे, हमारी थोड़ी चर्चा हुई कि देखो बालकृष्ण इंडस्ट्री टायर की सब कंपनी का इंडिया में ग्रोथ हुआ। अब हम बरसों से बालकृष्ण में निवेश करते हैं, बालकृष्ण को फायदा ये था कि वो पूरी दुनिया में माल फेंकता है। अब इस बार बालकृष्ण का ग्रोथ क्यों? क्योंकि 45% यूरोप से उसका धंधा आता है। तो उल्टा फॉरेन कंट्रीज नीचे खींच रही है, इंडिया आगे दौड़ रही है, राइट? तो मुझे लगता है कि इंडिया में फोकस करें तो रिटर्न हमारे ज्यादा अच्छे होंगे क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंपनीज है अभी हमारे यहाँ की, बहुत ह्यूज ग्रोथ। हमको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी गिफ्ट सिटी से मिली है कि जो फॉरेन के जो हमारे दूसरे भाई लोग हैं जिनको इंडिया में निवेश करना है, वो लोग भी गिफ्ट सिटी के द्वारा हमारी इंडियन कंपनी में डायरेक्ट डॉलर कर पाएंगे। ऐसे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है, तो सोचो इंडिया दुनिया के लिए खुला है तो मुझे कोई और कंट्री देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रिजेश भाई, राइट? थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सेशन आल्सो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रिजेश भाई। संदीप भाई कैसे हो? फाइन एकदम, मजे में। ब्रिजेश भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। संदीप भाई हेल्थ कैसा है आपका? बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ भाई कि अपने पास में करीबन पूरा ध्यान तो मेरा आपको मालूम है, कभी पोर्टफोलियो पे रहता नहीं रहता, कहीं को दूसरे धंधे के काम में बिजी रहता। राइट, करीबन 45 स्टॉक है मेरे पास में। राइट, अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखता हूँ मनी कंट्रोल के डाला हुआ है आपका जो है, तो करीबन 5-6 स्टॉक जो है वो अभी भी हमको 2%, कोई 7%, कोई 8% नीचे। बराबर, बाकी कुछ स्टॉक जो है वो 200% ऊपर है, कुछ स्टॉक 300% ऊपर है, कुछ स्टॉक 27% ऊपर है कुछ। अब मेरे पास में बहुत बड़ी लालच जगती है मुझे, बराबर है, और मैं लालच बहुत जगती और मैं जुगाड़ी आदमी हूँ, कहीं को मेरा नेचर ऐसा है। तो HDFC 1450 के अंदर नीचे मिला तो मैं आंख बंद करे जो पैसा डाल देता हूँ इधर से उधर से जो हुआ। अभी आपका रिलैक्सो नीचे है, आपका TD के प्रेसी नीचे है, तो कभी कभी डाल दिया फिर भूल जाता हूँ। माने भगवान की दया से ये मालूम नहीं है मेरे को, वो पैसा मैं जो डालता हूँ वो ना बोरोड है ना कोई तरीके से ब्याज भरना है। बट लेकिन मालूम है पीयूष भाई ने लिया है 810 में और मैं ले रहा हूँ 760 में, तो आई एम नॉट अ लूजर। सिंपल सी फिलोसफी आपको समझाता हूँ पीयूष भाई, इतना भरोसा। तो कभी कभी ऐसा मन में कभी कभी डाउट आता है सही है कि गलत है। अच्छा उसके अंदर क्या होगा संदीप भाई? देखो जी को भी फोन किया मैंने, संकट भाई को भी फोन किया, कई को सब मेरे बहुत अच्छे परिचित है, मेरे बहुत शुभकामनाएं करती है, मेरे कौशिक भाई मेरा बहुत शुभकामना करते हैं कि संदीप भाई पोर्टफोलियो को परसेंटेज के अंदर ड्रॉप करो। अरे बोला भाई इतना नॉलेज होता मेरे को तो मैं ये काम नहीं करता। सही बात है। बात को समझो आप। बराबर, देखो संदीप भाई पर उसमें एक रिस्क है। क्या रिस्क है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कभी भी कोई शेयर का या सेक्टर का जब थोड़ा बुरा समय शुरू होता है तो वो कितना टिकेगा वो तय नहीं है। 6 महीना, 2 साल, 3 साल हो सकता है। जैसे आप जानते होंगे TTK को तो चलो 2 साल जैसा हो गया अभी अंडर परफॉर्मेंस का, कोविड के समय इनफैक्ट जब लोग घर पे थे TTK का माल बहुत बिका, जब घर से निकल गए हम सब लोग ऑफिस जाने लगे तब से वहां पे डिमांड ही नहीं है, राइट? तो ये डिमांड कब आएगी इसका प्रश्न कंपनी को भी नहीं। आपने सिखाया हुआ विजन है मेरा, इन्वेस्टमेंट करने का 10 साल, करने का बाकी सब ट्रेडिंग, तो मैं 10 साल की विजन रखता हूँ। भगवान की दया से ये पैसे मेरे को काम में नहीं आए, माने 100% करने का नहीं चाहिए। पर क्या है थोड़ा टाइम लेगा वो, मतलब तुरंत बढ़ेगा वो नहीं। मेरे को कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी डरता नहीं हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो 50% डाउन है। बराबर बराबर, वो तो अभी आप इतने पुराने निवेशक हो तो ये सब तो देख ही लिए। मैं उससे डरता नहीं हूँ। राइट और राइट खाली आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास में आपको कौशिक भाई भी बताएंगे कम से कम बराबर 4-5 PMS के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और राइट दिमाग रात भर चलते रहता है 24 बराबर राइट घंटा कि हम ये इंडस्ट्री को कैसे और कैसे क्या बढ़ाएंगे। सिंपल। बराबर है बराबर। हम लोग तो थोड़ा ध्यान किधर रखते हैं संदीप भाई, ग्रोथ पे, मतलब जब डिमांड दिखने लगती है तब हम एग्रेसिव होते हैं। आपने देखा होगा कि हम जैसे टीटीके में जब पैसा नहीं लगा रहे, तो जैसे पेज इंडस्ट्री अभी अप्रैल की बिक्री कम है, तो पेज हो मान्यवर हो मतलब उनका धंधा ही डाउन है, तो हम लोग कब डालेंगे पैसा वापस? जैसे डिमांड दिखेगी तो उस दिन वापस से उतना ही पैसा जितना डाला हुआ है और लगाएंगे, क्योंकि वो समय से वो दौड़ेगा। अभी पता नहीं और 6 महीना बिगड़े और 9 महीना बिगड़े। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पेज बेचा नहीं, मैं पेज में SIP आज भी करता हूँ। बहुत अच्छे, ग्रेट। मैं पेज में आज भी SIP करता हूँ। डीमार्ट मेरे को बहुत पसंद है कि राइट रिटेल का राजा आज के तारीख के अंदर रिलायंस कुछ भी हो, राजा ये है। तो राइट सही मेरे बात को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 4,000 के नीचे मिलता है, मैं बोला 4,000 के नीचे। प्रधान सर ने बोला अच्छा स्टॉक है, कौशिक भाई ने बोला अच्छा स्टॉक है, ले लो, 10 साल तक का होराइजन है। तो अपने बराबर, नहीं को बारह कोई टेंशन नहीं है। टका की इन्वेस्टमेंट के ऊपर FD जो देती है उसको बीट करता है ना, आई एम हैप्पी। देखो राइट राइट, बस तो कंटिन्यू हम करते धंधे जाओ से संदीप पैसा भाई। कमा रहे हैं, डाले किधर? करो कंटिन्यू और मिलेंगे बॉम्बे, अभी जब बोटिंग के लिए पक्का आ रहे हैं पक्का, उसके मिलते हैं पहले अपन। भी मिल जाएंगे साहब। बड़ोड़ा आऊंगा आपको मिलने के लिए तो कभी आऊंगा अभी किधर भी। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू संदीप भाई। नितिन भाई, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो पीयूष भाई, गुड इवनिंग, यस कैसे नितिन हैं? भाई, गुड इवनिंग, कहिए कैसे हो? एकदम बढ़िया पीयूष भाई, इट वाज रियली नाइस सेशन एंड बहुत मजा आया। आपने जो थैंक यू। डिटेल में ग्रोथ दिखाया सब वर्ल्ड का, इंडिया का कंपैरिजन एंड विद ऑल सेक्टर्स, इट वाज रियली वेरी वंडरफुल। आई हैव वन क्वेश्चन पीयूष भाई। क्या अब यू ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि अभी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और ये कम होगा, राइट तो अभी आई एम जस्ट फोकसिंग कि अभी अगर मेरे पास सरप्लस पैसा होता है तो आई एम पुटिंग इट इन FDs या बॉन्ड्स रादर राइट देन इक्विटी। सो एम राइट आई डूइंग द राइट थिंग कि जब अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होता है, और ऑफ कोर्स उसमें से जो इनकम आएगा वो इनकम डेफिनेटली आई विल शिफ्ट इट टू इक्विटी, बट राइट अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है देन आई विल स्टार्ट पुटिंग रादर देन FDs या बॉन्ड्स आई विल स्टार्ट पुटिंग इन इक्विटी। सो एम आई वर्किंग ऑन अ राइट स्ट्रैटेजी? यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट स्ट्रेटेजी, बट सी व्हाट विल हैपन, इन्वेस्टर पहले से सूंघ लेते हैं नितिन भाई, उनको एडवांस में पता चलता है कि ये इंटरेस्ट रेट घट सकता है, तो बाइंग पहले से आता है। तो ओके मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए नितिन भाई, कि इसकी वेट ना करे कि घटेगा, क्योंकि उसको घटना है, बढ़ा हुआ रह नहीं सकता, नहीं तो ग्रोथ नहीं करेगा, बराबर ना? तो क्या करो, आप दोनों जगह निवेश करो, आप फिक्स सिक्योरिटी में भी निवेश, ऐसा मैंने बताया, और इक्विटी में भी सपोर्टिंग रखो, आप दोनों जगह पैसा रखोगे फिर अचानक बढ़ेगा पैसा, राइट नितिन भाई? ये तो आप अच्छा रहेगा। सजेस्ट कर रहे हो कि जैसे अगर एक अमाउंट हो, एक्स अमाउंट, तो हाँ मुझे क्या आधा आधा करना चाहिए, मतलब यस, आधा इधर आधा उधर वैसे करना चाहिए? 100% आधा आधा का, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। 50 आपका फिक्स सिक्योरिटी में गया और 50% पैसा आपका इक्विटी में गया, बराबर ना? क्योंकि एक्चुअली मेरे दिमाग में वो था कि अभी रेट इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, तो बराबर इस है, समय पे FD कर लो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम राइट होगा सही बात है, आप सही तो उतना रिटर्न बात है, नहीं मिलेगा, तो वो एक सोच था। बराबर। मतलब क्या कर सकते, जनरली हम लोग जब बाजार गिरता है, जैसे लास्ट ईयर जब हमारी मीट हुई थी, हमने कहा था कि अगर आप 20,000 की SIP करते हो तो 40 की करो, ये वो टाइम है जब बाजार गिर रहा है, इक्विटी में आपको ज्यादा पैसा डालना चाहिए। अभी बाजार ऐसा कोई करेक्शन में नहीं, अभी बाजार रैली मोड में ही है, तो इक्विटी में कम, फिक्स सिक्योरिटी में ज्यादा, क्योंकि वहां इंटरेस्ट अच्छा को, बराबर ना? पर आपको इक्विटी में पोर्शन डालना ही चाहिए नितिन भाई, राइट? दोनों जगह रखो आप। ओके थैंक यू सो मच पीयूष भाई। अच्छा थैंक यू नितिन भाई। क्या क्या कह रहे हो प्रधान भाई, कुछ कह रहे थे आप? मैं नितिन भाई से यह कहना चाहता हूँ कि जिस हाँ दिन मार्केट को ये लगेगा कि अभी इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, वो आपको मौका नहीं देगा इन्वेस्ट करने का। सही बात ओके प्रधान भाई, आई गॉट इट, है, जिस थैंक दिन यू सो आप मच। पैसा डालोगे उससे पहले वो 10% बढ़ गया होगा।
ओके ओके गॉट इट वो या मार्केट मौका नहीं देगा, क्योंकि मार्केट में करोड़ लोग काम करते हैं, गॉट इट उनको गॉट इट पता होता है कि कब क्या होने वाला है। तो आप अपने डिसिप्लिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो रेगुलरली, बस। श्योर, थैंक यू प्रधान भाई, थैंक यू पीयूष भाई। या थैंक यू। आहूजा जी सर, आहूजा सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ, योर टर्न सर। या थैंक यू वेरी मच। आसिफ हेलो भाई, पीयूष तबीयत जी, हेलो हेलो कैसी है पीयूष। आपकी? एकदम ग्रेट या आई एम डूइंग फाइन, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। ग्रेट आसिफ भाई, ग्रेट। हाँ जी, हाँ क्या आसिफ भाई पहचानते हो ना? हाँ बिल्कुल पहचानते हैं, राइट सभी सभी को पहचानते हैं। आसिफ भाई, मेरे को लगता है इस साल अभी हम लोग जब दिल्ली आए तब तो मुलाकात नहीं हुई थी नहीं अपनी, आप शायद बिजी थे। हाँ, मैं आई वॉज नॉट इन दिल्ली उस समय, मेरा प्लान कहीं और था जाने का, ओके, तो इसलिए मैं मुलाकात नहीं कर पाया था। हाँ कोई बात नहीं, हाँ सितंबर के आसपास मिलेंगे असीम भाई, है ना? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है सेप्टेम्बर का, तो आई शुड बी हेयर ऑनली, फिर जरूर मुलाकात राइट, होगी। ओके। और इन्वेस्टमेंट तो अच्छा चल रहा है ना असीम जी, हाँ कोई सर, दिक्कत आपके नहीं। थ्रू, हाँ प्रधान जी के थ्रू भी चल रहा है, अपना भी चल रहा है, और ओके, SIPs भी चल रहे हैं। गुड गुड, बस करते जाइए असीम जी एसआईपी। राइट, ये एसआईपी हमें 5 to 10 years फ्रॉम नाउ बहुत याद आएगी कि चलो क्या डिसीजन था, है ना? एब्सोल्युटली, हाँ जी। पीयूष सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हमारा अभी जैसे जो पोर्टफोलियो है हमारा, उसमें स्ट्रेटजी तो यही है, मतलब टॉप कंपनीज या इन यू नो द राइट डिमांडिंग सेक्टर्स विच वी इंडस्ट्रीज, थिंक विल यू नो गिव अस अ गुड ग्रोथ। राइट, तो बेसिकली हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो रहे हैं हमारे, या हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उसमें ग्रोथ आएगी, उसी में ही राइट, हम इन्वेस्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये करेक्ट, था कि हम क्या अपने पोर्टफोलियो में, मतलब बेसिकली इस PMS वाले पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनीज नहीं लेनी चाहिए जो टर्न अराउंड स्टोरीज हों, चाहे परसेंटेज उसमें कम हो, क्योंकि उसमें जो परफॉर्मेंस आती है वो बेसिकली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को भी बीट कर जाती है। राइट। पर टर्न अराउंड तो स्टोरी कैसी, वो लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए ऐसी असीम भाई। देखो बहुत सी बार क्या होता है, टर्न अराउंड स्टोरी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लिमिटेड भी गवर्नमेंट के नहीं ऑर्डर्स नहीं नहीं मैं मिलते। शॉर्ट मैं उसी की बात कर रहा था कि कुछ एक छोटा परसेंटेज पोर्टफोलियो, जैसे आप 5 से 10% आप कहते हैं कि हम लिक्विड फंड में रख लेते हैं ताकि कभी राइट, भी शॉर्ट तो वो यूज करें, तो वैसे ही क्या उसमें हम 5% ऐसा ऐड कर सकते हैं जो हमारे को क्लियर विजिबिलिटी टर्न अराउंड स्टोरीज में हम कर इन्वेस्ट करें, सकते हैं, कर है सकते हैं ना, सिंपल। अगर हमें क्योंकि लगता है हम, कि यस ये टर्न अराउंड है, जैसे देखो मैंने हाँ अभी आपको एनर्जी सेक्टर की बात कही है ना, एनर्जी सेक्टर, राइट, तो एनर्जी एक टर्न अराउंड है, सब कंपनीज अच्छा प्रॉफिट करेगी, यहां से हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं, तो हम लोग धीमे धीमे जगह बना रहे हैं। आप देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट, आपका किसी का पैसा अभी तक लगा नहीं है स्मॉल फाइनेंस में, पर वो तो ग्रोथ करने ही वाली है 25। ये टर्न अराउंड है, यहां से एक बार जो इंटरेस्ट कम हुए, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो रैली देखोगे बढ़िया देखोगे, राइट। तो ऐसे टर्न अराउंड दूसरे भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी कई कर सकते हैं। एक टर्न अराउंड आपको और बताऊंगा, जैसे ऑटो म्यूट था कितने समय से पूरा था, तो हम लोग भी कम निवेश कर रहे थे, जैसे ऑटो में ग्रोथ आया, देखो बजाज ऑटो में स्टेक बढ़ा दिया हम लोगों ने, हमने मारुति में स्टेक बढ़ाया, क्योंकि अब पता है 3 4 साल ये तेजी रहने वाली, तो ये तो करना ही चाहिए, पर मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ हो तो हम ये कर सकते हैं, बराबर ना? ठीक है, थैंक या थैंक यू असीम जी, यू, थैंक थैंक यू सर। जिगर सर, नाउ इट्स योर टर्न, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यू। हेलो या जिगर, सर, क्या कैसे हो? फाइन बस बस बढ़िया, आप कैसे हो? फाइन एकदम, कहिए। अभी मतलब मैंने मेरी वाइफ का अकाउंट से वो ओपन करवाया है, ठीक है, एडवाइजरी के लिए, तो ओके, मुझे ठीक है, हाँ आपकी मतलब एटलीस्ट इट वाज गुड कि आप लोग आप जो कर रहे हो वो स्ट्रेटेजी वाइज इट इज गुड, बट एक डाउट है मुझे कि जैसे सपोज एडवाइजरी के लिए आपको मैंने एफ अमाउंट दिया, ठीक है, बट जो आप चीप के चल रहे हैं, तो जो वैल्यू बैंक के लिए, मतलब मान लो कि मेरे पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है सपोज 50,000 की है, बट मैं आपको देता हूँ, देन सपोज मान लो कि अभी आज के कंडीशन में पिडिलाइट केमिकल स्ट्रक्चर डाउन है, तो आप अभी एंटर करना चाहते हो, तो आप मतलब
50,000 में से 10,000 के लोगे राइट, जो बाकी की 40,000 की लिक्विडिटी कैसी रहेगी करेक्ट? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जिगर भाई। हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये एक पहले वैल्यू डिसाइड करते हैं कि ये जो लेवल पे है मार्केट उसके हिसाब से आप अकाउंट में कैश कितना होना चाहिए, राइट। कैश यानी कैश एंड लिक्विड। अब स्टॉक का भी ऐसा है, जैसे कुछ स्टॉक्स में आपको हमको अभी भी खराब समय कंटिन्यू दिखता है, तो वहां पे हम बाय नहीं करेंगे, वहां पे हम कैश रहने देंगे। जस्ट मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, पिडिलाइट का ही, कि पिडिलाइट में हमको लगता है कि 1% रुपया होना ही चाहिए, मतलब आपका अगर 100 रुपया लगा हुआ है तो 2 रुपया पिडिलाइट में होना चाहिए, राइट। पर रिसेंट सिनेरियो के हिसाब से हमने किसी में 2 रुपया लिया नहीं, हमने हर जगह पे 1.5 रुपए का ही पिडिलाइट रखा है, तो 50 पैसा किधर है आपका? वो हमने कैश में ही रखा हुआ है। जब हमको ग्रोथ दिखेगा हम सीधा जंप करेंगे, 50 पैसा डालें, राइट। तो आप जब पहले पैसे देते हो एडिशनल, तो वो सीधे सीधा लिक्विड में ही जाता है, क्योंकि जब आए तब तुरंत डिसीजन नहीं ले लेंगे जल्दबाजी में कि चलो फटाफट लो, ऐसा कभी नहीं करेंगे। इमीडिएटली वो जाएगा लिक्विड में, और जैसे जैसे जरूर पड़ेगी उसको हम लोग यूज करेंगे, राइट जिगर भाई। एक चीज है कि आप मतलब जो पोर्टफोलियो है वो परसेंटेज के हिसाब से वो फिक्स किए, पोर्टफोलियो में सेक्टर है इतना ही परसेंट आना चाहिए करेक्ट? पर दो चीज जिगर भाई, देखो खाली परसेंटेज के साथ कैश कितना रखना, परसेंटेज तो है, देखो मैंने अभी मारुति में आपको 3.25% बताया, पर उसमें हम कैश रखते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम 3.25% मारुति में इन्वेस्ट करना है तो पूरा 3.25 करेंगे। पर ऐसी कई कंपनी है जिधर कुछ छोटी मोटी दिक्कतें चल रही है, तो भले हमारा परसेंटेज तय है पर हम नहीं डालेंगे उतना पैसा, हम कैश रखेंगे जब तक क्लैरिटी नहीं आती है ना जिगर भी। तो दो चीज को करेंगे, एक वेटेज और दूसरा कैश कितना रखना है कंसिडरिंग करंट सिनेरियो, बराबर है? मतलब कि मान लो में से आप तो हर एक स्टॉक के लिए कैश रिजर्व रखते हो कि ये सेक्टर ये इसके लिए इतना कैश राइट रिजर्व, राइट एग्जैक्टली राइट क्लियर नहीं हुआ है बट मतलब वो मैं सोच रहा हूँ कि सपोज 1 लाख या 2 लाख में एक्सेस लिक्विडिटी वहां पे ऐड करता हूँ तो इन फ्यूचर कैसे यूटिलाइज, क्योंकि जो हाँ शेयर एलोकेशन है वो आपका राइट। अभी मान लो कि 2 लाख की लिक्विडिटी मैंने ऐड कर दी तो राइट हिसाब से आप मतलब क्या बाई करोगे या फिर कौन से लेवल पे कौन सा बाई करोगे, वो मुझे मतलब एंट्री राइट लेवल क्या होगा क्योंकि बराबर। देखो ऑन जिगर भाई, अभी 1 लाख या 2 लाख की लिक्विडिटी आई, पर मुझे ये नहीं पता है कि टोटल वैल्यूएशंस कितनी है, बराबर ना। मान लो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 1-2 लाख यानी 1-2% हुआ, राइट। छोट मान लो का पोर्टफोलियो है तो वो तो 2 लाख है यानी हमारे लिए 4% हो गया, तो हम पहले उसको परसेंटेज की ही भाषा में देखेंगे, जो पैसा आया परसेंटेज वाइज कितना है, राइट। जितना कैश रखना है कैश रखेंगे, बाकी हम एलोकेट कर देंगे, बराबर ना, क्योंकि हमको दोनों चीज देखनी है ना जिगर भाई, गिरे तो पैसा भी होना चाहिए और चले तो माल भी होना चाहिए, बराबर ना। अच्छा, और ये सीप के लिए मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन से टाइम पे ऐड करना चाहिए या फिर वो किसके लिए कह रहे हो आप? सीप में सपोज करना है राइट, तो मतलब कैसे होता है या फिर मुझे कैश यही एक्स्ट्रा सब करना जिगर है? भाई, यही सब जो स्टॉक है वो सब सब स्टॉक में आप सीप कर सकते हो, क्योंकि ये सारे जो स्टॉक है वो अपने अपने सेक्टर के एकदम बढ़िया स्टॉक है, बराबर ना। आप हमारे नहीं यहाँ मैं इन्वेस्ट करते हो, मिनी में सीप करते हैं आपका पैसा, नहीं, आपके थ्रू मैं मतलब आपके जो अकाउंट है टी एडवाइजरी का उसमें मुझे ऐड करना है पैसा राइट, तो मैं वहां पे मतलब कौन से करूँ या फिर जब भी एक्स्ट्रा कैश है कर दूँ वो वो तो ये आपको भी। मतलब आपको खाली पैसा ही ऐड है, बाद में तो स्टॉक तो डिसाइड हम कर ही लेंगे कहाँ पे एसआईपी करनी है ना। एक बार एसआईपी की जो सिस्टम है ना, वो एक बार आप कौशिक भाई से थोड़ा समझ लीजिएगा, राइट ना, कि कैसे एसआईपी आती है, राइट। बाकी फंड आ जाएगा फिर डिसाइड तो हम ही लोग करेंगे कि भाई किसमें हम एसआईपी करेंगे उसकी, बराबर है? अच्छा ठीक है, मतलब ऑन द फ्लाई में ऐड कर सकता हूँ हाँ कर तो सकते। इमीडिएटली चेक करके वो हो जाएगा ऑन मतलब अभी। एवरी मंथ को एक डेट आपने डिसाइड की, वो डेट पे आप एसआईपी कर सकते हो, बराबर ना। राइट, पर कौशिक भाई आप एक बार जिगर भाई से बात भी कर लेना, बराबर ना, कि एसआईपी को पूरी सिस्टम वो मेरे से ज्यादा आपको बताओगी, बराबर ना। श्योर 100%। या ओके, थैंक यू जिगर भाई।
प्रसन्ना मैम हैज रिटन समथिंग इन चैट बॉक्स, सो आई एम रिक्वेस्टिंग प्रसन्ना मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेरी, इट इज ओके. हाउ डू नो दैट मार्केट विल फॉल सो वी कैन टॉप अप फंड? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम. मुझे कैसे पता चले बाजार गिरने वाला है जो मैं पैसा ऐड करूं? तो पहली चीज मैंने क्या कही मैडम कि हमें ये नहीं सोचना है बाजार गिरेगा कि चलेगा, क्योंकि वो बाजार को भी नहीं पता है, वो आने वाले इनपुट से होगा गिरना है कि दौड़ना है ना. तो आने वाले इनपुट क्या आएंगे, हम लोग कंटिन्यू एसआईपी कर सकते हैं राइट, कुछ कुछ समय के इंटरवल पे, मान लो मंथली एसआईपी करनी है, क्वार्टरली एसआईपी करनी है, ऐसा कर सकते हैं राइट. ओके नो एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि द द मोमेंट आई टॉप अप माय फंड तो इमीडिएटली वो निफ्टी 20 में चला जाता है, फिर उसके हिसाब से वेटेज के हिसाब से वो मतलब वो वैल्यू बाइंग हो जाती है और हमारे पास स्टेटमेंट आ जाता है. बट सपोज ऐसा है कि अभी मैं एक फिक्स अमाउंट या एक टॉप अप देती जा रही हूँ, बट मुझे मालूम है कि मेरे पास कहीं पर एक कहीं लिक्विड फंड पड़ा है जो मैं उठा के डालना चाहती हूँ सीधा, तो फिर वो मतलब तब जैसे मान लो कि मे बी मार्च में हो सकता है कि चलो भाई क्लोजिंग फाइनेंशियल है तो हो सकता है, तो फिर तब तब इकट्ठा फंड दू के कैसे करूँ, वो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था. वो आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है, आप हमें दोगे हम तो वेटेज वाइज ही चलने वाले हैं बराबर ना. पर आप अपने पास जैसा मैंने पहले बताया कि उतना आप लिक्विड फंड रखिएगा जितना आप इक्विटी में निवेश कर रहे हो. हाँ, वो तो होता है, वो तो होता है हमारे पास, फिर जो एक्सेस है वो इक्विटी में डाल दो आप बराबर ना. बराबर है, क्योंकि क्योंकि मार्केट का फॉल होने वाला है वो तो अब पता नहीं चलता है अपने को. तो देखो कल क्या हो जाए, कल कहीं युद्ध हो जाए तो 6 महीने का गिरावट, कहीं कुछ और प्रॉब्लम हुए 1 साल 1.5 साल की गिरावट. हमें इतना समझना है कि ये जो भी इवेंट आया ये कुछ समय के लिए डैमेज, पर डैमेज रिकवर हो जाता है. कैसे, देखो डिविडेंड कम आता है डैमेज के समय, वापस डबल डिविडेंड आता है, तो हमें कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं असल में बराबर. पर मौका मिलेगा कभी कभी ऐसा, उस समय तो हम भी सामने से कहेंगे. हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, तभी आप बोल सकते हो ना कि कोई है और आपका है तो हमें दे दो, तो तब मैं दे सकती हूँ, ऐसा है. राइट राइट, हम कहते भी है वो समय पे तो कहेंगे जब ऐसी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले तब और वो प्रधान भाई ने बोला था कि हम यूट्यूब पर अवेलेबल है, मतलब पीएम एडवाइजरी की भी यूट्यूब पे होती है कि पीएम एडवाइजरी की राइट. मीटिंग होती है? नहीं नहीं, ये जो मीटिंग हम लोग जो करते हैं ना एक्चुअली, जो एवरी ट्यूसडे होती है, वो यही पीएमएस के आपके स्टॉक्स की होती है. एवरी तो ट्यूसडे होती आपने है? जैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास एलएनटी है, तो आपका जानना बनता है कि चलो एलएनटी में क्यों चल रहा है या क्यों नहीं चल रहा है. तो ये लाइव मीटिंग हम लोग ट्यूसडे को रखते हैं, वो सब पीएमएस हुए या हमारे स्टूडेंट उन सबके लिए ही है बराबर ना. तो आपकी क्वेरी क्लियर हो जाए, मतलब कोई भी स्टॉक की अच्छा, बराबर ना. एवरी एवरी ट्यूसडे इट इज हैपनिंग, एवरी ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे बट इट इज ऑन लाइक यूट्यूब, यू हैव टू YouTube, लॉग इन. यस यस, YouTube, YouTube जो हमारी चैनल है उस पे भी आती है, और WhatsApp में भी हम डालते हैं. जैसे देखो आज ही हमने इनपुट किया है कि भी नेक्स्ट ट्यूसडे को हम AU फाइनेंस, फिर बालकृष्ण, ये कुछ 3-4 कंपनी के रिजल्ट प्लेस करेंगे. हाँ, वो तो ऑनलाइन मीटिंग वाली, आफ्टर द रिजल्ट्स, आफ्टर द यस रिजल्ट्स, यस, यही आफ्टर द रिजल्ट या ओके ओके. राइट. But let me tell you one thing, Piyush bhai, that Marcellus funds of which you are talking, I did research, वो तो कुछ सौरभ मुखर्जी का है, he's a very big top guy और काफी तो team है, whereas you have a very small team and absolutely and you know to do such a hard work and to उनको beat करना, it's not a that easy, you know, so congratulations to the entire team. Thank you. Okay, thank you Prasanna ma'am. I think Sandeep bhai has one more question. Sandeep bhai, please unmute yourself. भाई, मेरे पास है एक बहुत सीधा सरल क्वेश्चन. मेरे को 4-5 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से अंडर वर्किंग है, मैं आपको पैसा देने का तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर परसेंटेज वाइज मत जाएं. आई वांट टू बाय टीटी के प्रेस्टीज, राइट, आई वांट टू बाय सो एंड सो, आई वांट टू गिव इंस्ट्रक्शंस ऑन दैट बिकॉज आई लाइक दैट स्टॉक. You might not like it. आप ज्यादा पसंद है. Does your portfolio allow that? No. नहीं होएगा तो I'll buy on my own. मैं एकदम क्लियर हूँ.
बराबर है संदीप भाई, देखो ऐसे समय पे आपको बाय कर लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमें वेटेज हमें सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज वे में चलना पड़ेगा चलो, स्टॉक में। हम और अगर फिर हमारा बाद में वेटेज मैं बढ़ा अलग देंगे ना से, संदीप भाई, तो क्या होता है पता है, इससे रिटर्न में फर्क पड़ता है राइट। जैसे अगर हमने टीटीके में मान लो पिछले 1.5 साल से भले गिरता जा रहा है, हम वेटेज बढ़ाते जाते तो पोर्टफोलियो पे उसकी नेगेटिव इफेक्ट आती राइट, पर हमने मान लिया। एचडीएफसी में कैसा बढ़ा दिया अगर एक वेटेज। क्वेश्चन मेरा आपने सिंपल जवाब दे दिया, मैं कौशिक भाई से, प्रधान भाई से बात कर लूंगा, कहीं यस को मेरे को आप पे कॉन्फिडेंस है, मेरे को बाजार पे, तो मैं अपना काम वो हिसाब से करूंगा। ओ भाई ये नीचे मिल रहा है, इसको काहे को नहीं लो, ये 10% जाएगा, कोई टेंशन नहीं, मेरे नुकसान होगी या मेरा फायदा होएगा, क्या राइट फर्क राइट, पड़ता कर सकते हैं, कर सकते हैं, है। मैं ये बराबर ना, पर वो फिर आप अपने हिसाब से ले सकते हो उसको, बराबर ना संदीप भाई, हाँ कंपनियां तो सब अच्छी ही है जो हम ले रहे हैं राइट। तो मैं कहीं को ये अगर मैंने चालीस एवरेज भी ले सकते फोर्टी हैं। फोर स्टॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से संदीप भाई का आवाज म्यूट हो गया है ना, क्या क्वेश्चन मैं भाई? बोलता हूँ पीयूष हाँ भाई, एकदम सिंपल चीज है कि अगर मेरे को 1439 स्टॉक्स में 44 में पीयूष भाई पे लग रहा है कि मिला पैसा, तो मैं पांच स्टॉक के ऊपर ऐसी क्या स्टोरी आ गई, कुछ आई नहीं है, तो इसके अंदर मेरे को ग्रोथ ज्यादा दिखती है, तो राइट, मैं अपनी वेटेज क्यों नहीं बढ़ाऊ। पीयूष भाई पूरा बराबर, बड़ा से ओवरऑल देख रहे हैं, राइट। लेकिन मैं इंडिविजुअल देख रहा हूँ। कर सकते हो संदीप भाई, बराबर ना, आप अपने हिसाब से वही प्रोडक्ट वही स्टॉक ले सकते हो आप हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, राइट। और इनफैक्ट हम लोग देखो इन्फॉर्म भी करते हैं, हम लोग भी ग्रुप में डालते हैं, चलो इधर बहुत बढ़िया 100% आया है 100%। ना। ओके ओके मिलते ओके हैं पीयूष भाई, जल्दी मिलेंगे, कुछ थैंक यू। आइडियाज है मेरे पास में आपको शेयर करूंगा। हाँ हाँ श्योर श्योर हाँ या ओके। सो सो आई थिंक कौशिक भाई, टाइम, निदान भाई, डन यस टाइम इज गोइंग टू ओवर, या सो थैंक यू वेरी मच ऑल इन्वेस्टर्स, कीप इन टच एंड वी आर गोइंग टू एंड टुडे सेशंस, सो या थैंक यू थैंक वेरी यू मच टू ऑल वेरी ऑफ मच, यू वंस अगेन। धन्यवाद टू एवरीबडी, जय हिंद दोस्तों, थैंक थैंक यू यू, एवरीवन, थैंक थैंक यू यू सो मच, गुड नाइट।